हेलो फ्रेंड, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बंगाली मूवी। इस मूवी का नाम है नेटर गुरु। नेटर गुरु द मैन कलीपत 2003 में रिलीज हुई थी। बंगाली फिल्म हरिनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित है। इसमें जीत, कोयल मलिक, रंजीत मलिक और मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया है। यह फिल्म कोयल मलिक की सिनेमाई शुरुआत थी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। नेटर गुरु मूवी के निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती हैं, द्वारा लिखित है समरेश बसु, द्वारा निर्मित संजनी फिल्में अभिनेता जीत, कोयल मलिक, रंजीत मलिक, मौसमी चटर्जी, छायांकन वी प्रभाकर द्वारा, संपादक स्वपन गुहा, संगीत दिया एस पी विकेंस ने, द्वारा वितरित एक्से मूवीज। रिलीज की तारीख 11 अप्रैल 2003, कार्यकारी समय 145 मिनट, देश भारत, भाषा बंगाली। और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी में समरेश बसु पर आधारित है। एक रोमांटिक कॉमेडी का लोकप्रिय उपन्यास नटगुरु। चार मुख्य किरदारों रवि, शशि, भूषण, सुलेचना और मनीषा के इधर गिर्द घूमती है। शशि और सुलेचना एक अलग युगल है, जो परंपरा एक दूसरे से अलग है, लेकिन कानूनी रूप से तलाकशुदा नहीं है। अलग व दोनों पक्षों की गलतफहमी, अहंकार और पूर्व कल्पित धारणाओं से बाहर है। 15 वर्षों के बाद सुलोचना एक बिजनेसमैन टाइकून है, जबकि शशिभूषण एक बेकार रेस कोर्स बुकी है। उनकी एकलौती बेटी मनीषा डांसर है और अपनी माँ के साथ रहती है। सुलोचना को दिल का दौरा पड़ता है और मदद पाने में असमर्थ मनीषा अपने पिता के पास जाती है। पिता पुत्री कोम्बे तय करते हैं कि बीमारी सुलोचना को कोई तनाव या चिंता नहीं दी जा सकती, इसलिए वे एक चोरी छिपे ऑपरेशन कराते हैं। वे शशि के दोस्त और सहयोगी रविजीत मेहता को किराए पर लेने का फैसला करते हैं और उसे दुर्गा दास के रूप में पेश करते हैं। मनीषा द्वारा जब भी आवश्यक हो ब्रोकिस देने के लिए रवि की आवश्यकता होती है, वह नियमित हो जाता है, लेकिन दोनों अक्सर बेमतलब की बातों को लेकर झगड़ते हैं, लड़ते रहते हैं और मनीषा के व्यवहार से रवि का अपमान होता है। रवि सलोचना के पैर छूती है, क्योंकि क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं और संगीत वास्तव में सलोचना को ठीक कर देता है और वह फिर चलने में सक्षम हो जाती है। सलोचना रवि से प्यार करती है। इस बीच सलोचना गलती से रवि की मौलिकता को उजागर कर देती है। सुलू कोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान की प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी और सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास परेशानी पैदा करता है, लेकिन शशि के सहयोगी योग से प्रेमी फिर से मिल जाते हैं। शशि और सुलोचना को अपना खोया हुआ फिर से प्यार मिल जाता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। रवि सुलोचना के पैर छूती है, क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं। संगीत वास्तव में सुलोचना को ठीक कर देता है। सुलू कोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास पैकना रवि जीत रवि मेहता के रूप में, मनीषा के रूप में कोयल मलिक, मनीषा के पिता के रूप में रंजीत मलिक, मनीषा की माँ के रूप में मौसमी चटर्जी, रवि की दोस्त के रूप में कंचन मलिक, नीमू भूमिका अशोक, मुख्य उपाध्याय पुष्पिता मुखर्जी, मनी के रूप में कौशिक भट्टाचार्य, सचिन मलिक। और हम बात करें इस मूवी के गीत संगीत के बारे में। एल्बम को नटर गुरु के लिए एस पी विकेंस ने कंपोज किया है। गायक जूटू, सरनलता, मोनू प्रका प्रभाकर, अनुराधा श्रीराम, सभी गीत गौतम सुषमिता द्वारा दिए गए हैं। चिरंजीवी आधारित गीतों मानो जीनी की केबी, अमी मानो अमी, सुकुना नाई अमोना, सरुणलता, बोल मा तारा जीतो, प्रभाकर इटो ऐसे ची तोमरी, पलियाकर टोर किरोले, मानो ठग ठग बाबा ठग मानो मानो। और हम बात करें इस मूवी के पूर्व गायक के बारे में। इस मूवी के गायक नागुर बाबुआ
जिन्हें उसके मान्य नाम मानो से जाना जाता है, एक भारतीय पूर्व गायक है, वॉइस ओवर कलाकार, अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन एंक और संगीतकार है। मानो का जन्म नागोरा बाबू का जन्म 26 अक्टूबर 1965, आयु 97 वर्ष, वल्लई, आंध्र प्रदेश। भारत शैली पूर्ण गायन, कर्नाटक संगीत, व्यावसायिक गायक, अभिनेता, निर्माता, आवाज, डबिंग कलाकार, संगीतकार। सक्रिय वर्ष 1970, वर्तमान। मानो ने फिल्म और निजी विभिन्न तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, तुलकोरिनी और असमिया फिल्मों के लिए 24,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने महाद्वीपों में से 3,000 से अधिक लाइव संगीत कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने संगीत निर्देशक इलैयाराज के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए। मथुर ने 1995 तेलुगु में रजनीकांत के लिए पूर्ण डबिंग कलाकार के रूप में भी पहचाना जाता है। करियर शुरुआती दिन और पदार्पण आलोचना को अपनी प्रगति में लेते हुए मानो इलिया राजा के साथ 500 से अधिक सफल गीतों की रिकॉर्डिंग की और धीरे धीरे अन्य तमिल संगीतकारों के लिए भी गाया। वॉइस ओवर डबिंग 1985-95 में तेलुगु फिल्म उद्योग में वॉइस ओवर डबिंग कलाकार के रूप में मानो का एक चेहरा भी दिखा गया है। उन्होंने तेलुगु में लगभग सभी रजनीकांत स्टार के लिए अपनी आवाज़ दी है। उनकी आवाज़ लगभग रजनीकांत का पर्याय बन गई और सभी निर्देशक और निर्माता द्वारा इनकी माफ़ी मांग दी काफ़ी मांग रही थी। उन्होंने तेलुगु की कुछ फिल्मों में कमल हसन के लिए अपनी आवाज़ दी है। टेलीविजन का काम करता है मानो मनाथुडु मानो की मेज़बानी कर रहा है। जया टीवी में एक संगीत टॉक शो। व्यक्तिगत जीवन, मानो की शादी जमीला से 1985 में हुई थी। उनका बेटा सिकारा एक अभिनेता है और रुए नांगा 2012 में अभिनय किया है। फिल्मोग्राफी अभिनेता के तेलुगु 1979 नेडा, 1979 रंगू रावड़ी राजू के रूप में, 1980 क्योतोड़ा तो आदि, दो होले डार्लिंग नी मानसू नाकू तेलुस, 2003 में रिलीज हुई थी। बंगाली फिल्म हरिनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित है। इसमें जीत, कोयल मलिक, रंजीत मलिक और मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया है। यह फिल्म कोयल मलिक की सिनेमाई शुरुआत थी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। नेटर मूवी के निर्देशक हरिनाथ चक्रवर्ती हैं, द्वारा लिखित है समरेश बसु द्वारा निर्मित। संजनी फिल्म में अभिनेता जीत, कोयल मलिक, रंजीत मलिक, मौसमी चटर्जी। छायांकन वी प्रभाकर द्वारा संपादित, स्वपन गुहा संगीत दिया, एस वी विकेंस ने द्वारा वितरित। एक्से मूवीज। रिलीज की तारीख 11 अप्रैल 2003। कार्यकारी समय 145 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली। और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी में समरेश बसु पर आधारित है। एक रोमांटिक कॉमेडी का लोकप्रिय उपन्यास नटगुरु। चार मुख्य किरदारों रवि, शशि, भूषण, सुलेचना और मनीषा के इधर गिर्द घूमती है। शशि और सुलेचना एक अलग युगल है जो परंपरा एक दूसरे से अलग है, लेकिन कानूनी रूप से तलाकशुदा नहीं है। अलगवा दोनों पक्षों की गलतफहमी, अहंकार और पूर्व कल्पित धारणाओं से बाहर है। 15 वर्षों के बाद सुलोचना एक बिजनेसमैन टाइकून है, जबकि शशिभूषण एक बेकार रेस कोर्स बुकी है। उनकी एकलौती बेटी मनीषा डांसर है और अपनी माँ के साथ रहती है। सुलोचना को दिल का दौरा पड़ता है और मदद पाने में असमर्थ मनीषा अपने पिता के पास जाती है। पिता पुत्री कोम्बे तय करते हैं कि बीमारी सुलोचना को कोई तनाव या चिंता नहीं दी जा सकती, इसलिए वे एक चोरी छिपे ऑपरेशन कराते हैं। वे शशि के दोस्त और सहयोगी रविजीत मेहता को किराए पर लेने का फैसला करते हैं और उसे दुर्गादास के रूप में पेश करते हैं। मनीषा द्वारा जब भी आवश्यक हो ब्रोकिस देने के लिए रवि की आवश्यकता होती है, वह नियमित हो जाता है, लेकिन दोनों अक्सर बेमतलब की बातों को लेकर झगड़ते हैं।
लड़ते रहते हैं और मनीषा के व्यवहार से रवि का अपमान होता है। रवि सलोचना और पैर छूती है रवि सलोचना के पैर छूती है क्योंकि क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं और संगीत वास्तव में सलोचना को ठीक कर देता है और वह फिर चलने में सक्षम हो जाती है। सलोचना रवि से प्यार करती है। इस बीच सलोचना गलती से रवि की मौलिकता को उजागर कर देती है। सुलोचना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान की प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी और सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास परेशानी पैदा करता है लेकिन शशि के सहयोगी योग से प्रेमी फिर से मिल जाते हैं। शशि और सुलोचना को अपना खोया हुआ फिर से प्यार मिल जाता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। रवि सुलोचना के पैर छूती है क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं। संगीत वास्तव में सुलोचना को ठीक कर देता है। सुलोचना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास पैकना रवि जीत रवि मेत्रा के रूप में मनीषा के रूप में कोयल मलिक मनीषा के पिता के रूप में रंजीत मलिक मनीषा की माँ के रूप में मौसमी चटर्जी रवि की दोस्त के रूप में कंचन मलिक नीमू भूमिका अशोक मुख्य उपाध्याय पुष्पिता मुखर्जी मणि के रूप में कौशिक भट्टाचार्य सचिन मलिक। और हम बात करें इस मूवी के गीत संगीत के बारे में एल्बम को नटर गुरु के लिए एस पी विकेंस ने कंपोज किया है। गायक जूटू शरणलता मोनू प्रभाकर अनुराधा श्रीराम सभी गीत गौतम सुष्मिता द्वारा दिए गए हैं। चिरोडनी आधारित गीतों मानो जीनी की केबी अमी मानो अमी सुकुना नाई अमोना शरणलता बोल मा तारा जीतो प्रभाकर इटो एस एच ई तोमरी पलियाकर टोर किरोले मानो ठग ठग बाबा ठग मानो मानो। और हम बात करें इस मूवी के पूर्व गायक के बारे में इस मूवी के गायक नागुर बाबुआ जिन्हें उसके मान्य नाम मानो से जाना जाता है एक भारतीय पूर्व गायक है। वॉइस ओवर कलाकार अभिनेता निर्माता टेलीविजन एंक और संगीतकार है। मानो का जन्म नागोरा बाबू का जन्म 26 अक्टूबर 1965 आयु 97 वर्ष वल्लई आंध्र प्रदेश भारत शैली पूर्ण गायन कर्नाटक संगीत व्यावसायिक गायक अभिनेता निर्माता आवाज डबिंग कलाकार संगीतकार सक्रिय वर्ष 1977 वर्तमान मानो ने फिल्म और निजी विभिन्न तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम हिंदी तुलकोयनी और असमीय फिल्मों के लिए 24,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने महाद्वीपों में से 3,000 से अधिक लाइव संगीत कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने संगीत निर्देशक इलियाराज के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए। मथु ने 1995 में तेलुगु में रजनीकांत के लिए पूर्ण डबिंग कलाकार के रूप में भी पहचाना जाता है। करियर शुरुआती दिन और पर्दापन आलोचना को अपनी प्रगति में लेते हुए मानो इलिया राजा के साथ 500 से अधिक सफल गीतों की रिकॉर्डिंग की और धीरे धीरे अन्य तमिल संगीतकारों के लिए भी गाया। वॉइस ओवर डबिंग 1985-95 में तेलुगु फिल्म उद्योग में वॉइस ओवर डबिंग कलाकार के रूप में मानो का एक चेहरा भी दिखा गया है। उन्होंने तेलुगु में लगभग सभी रजनीकांत स्टार के लिए अपनी आवाज़ दी है। उनकी आवाज़ लगभग रजनीकांत का पर्याय बन गई और सभी निर्देशक और निर्माता द्वारा इनकी काफ़ी मांग रही थी। उन्होंने तेलुगु की कुछ फिल्मों में कमल हसन के लिए अपनी आवाज़ दी है। टेलीविजन का काम करता है मानो मना थोड़ू मानो की मेज़बानी कर रहा है जया टीवी में एक संगीत टॉक शो। व्यक्तिगत जीवन मानो की शादी जमीला से 1985 में हुई थी। उनका बेटा सिकारा एक अभिनेता है और रुए नांगा 2012 में अभिनय किया है। फिल्मोग्राफी अभिनेता के तेलुगु 1979 नेडा 1979 रंगू रावड़ी राजू के रूप में 1980 क्योतोड़ा तो आदि दो होले डार्लिंग नी मानसू नाकू तेलु 2003 में रिलीज हुई थी। बंगाली फिल्म हरिनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित है।
इसमें जीत, कोयल मलिक, रंजीत मलिक और मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया है। यह फिल्म कोयल मलिक की सिनेमाई शुरुआत थी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। नेटर मूवी के निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती हैं द्वारा लिखित है, समरेश बसु द्वारा निर्मित। संजनी फिल्म में अभिनेता जीत, कोयल मलिक, रंजीत मलिक, मौसमी चटर्जी। छायांकन वी प्रभाकर द्वारा, संपादित स्वपन गुहा, संगीत दिया एस वी विकेंस ने द्वारा, वितरित एक्से मूवीज। रिलीज की तारीख 11 अप्रैल 2003, कार्यकारी समय 145 मिनट, देश भारत, भाषा बंगाली। और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी में समरेश बसु पर आधारित है। एक रोमांटिक कॉमेडी का लोकप्रिय उपन्यास नटगुरु। चार मुख्य किरदारों रवि, शशि, भूषण, सुलेचना और मनीषा के इधर गिर्द घूमती है। शशि और सुलेचना एक अलग युगल है, जो परंपरा एक दूसरे से अलग है, लेकिन कानूनी रूप से तलाकशुदा नहीं है। अलग व दोनों पक्षों की गलतफहमी, अहंकार और पूर्व कल्पित धारणाओं से बाहर है। 15 वर्षों के बाद सुलोचना एक बिजनेसमैन टाइकून है, जबकि शशि भूषण एक बेकार रेस कोर्स बुकी है। उनकी एकलौती बेटी मनीषा डांसर है और अपनी माँ के साथ रहती है। सुलोचना को दिल का दौरा पड़ता है और मदद पाने में असमर्थ मनीषा अपने पिता के पास जाती है। पिता पुत्री कोंबे तय करते हैं कि बीमारी सुलोचना को कोई तनाव या चिंता नहीं दी जा सकती, इसलिए वे एक चोरी छिपे ऑपरेशन कराते हैं। वे शशि के दोस्त और सहयोगी रविजीत मेहता को किराए पर लेने का फैसला करते हैं और उसे दुर्गा दास के रूप में पेश करते हैं। मनीषा द्वारा जब भी आवश्यक हो ब्रोकिस देने के लिए रवि की आवश्यकता होती है, वह नियमित हो जाता है, लेकिन दोनों अक्सर बेमतलब की बातों को लेकर झगड़ते हैं, लड़ते रहते हैं और मनीषा के व्यवहार से रवि का अपमान होता है। रवि सलोचना और पैर छूती है रवि सलोचना के पैर छूती है क्योंकि क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं और संगीत वास्तव में सलोचना को ठीक कर देता है और वह फिर चलने में सक्षम हो जाती है। सलोचना रवि से प्यार करती है। इस बीच सलोचना गलती से रवि की मौलिकता को उजागर कर देती है। सुलू कोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान की प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी और सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास परेशानी पैदा करता है, लेकिन शशि के सहयोगी योग से प्रेमी फिर से मिल जाते हैं। शशि और सुलोचना को अपना खोया हुआ फिर से प्यार मिल जाता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। रवि सुलोचना के पैर छूती है क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं। संगीत वास्तव में सलोचना को ठीक कर देता है। सुलू कोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास पैकना रवि जीत रवि मेहता के रूप में, मनीषा के रूप में कोयल मलिक, मनीषा के पिता के रूप में रंजीत मलिक, मनीषा की माँ के रूप में मौसमी चटर्जी, रवि की दोस्त के रूप में कंचन मलिक, नीमू भूमिका अशोक, मुख्य उपाध्याय पुष्पिता मुखर्जी, मणि के रूप में कौशिक भट्टाचार्य, सचिन मलिक। और हम बात करें इस मूवी के गीत संगीत के बारे में। एल्बम को नटर गुरु के लिए एस पी विकेंस ने कंपोज किया है। गायक जूटू, सरनलता, मोनू प्रभाकर, अनुराधा श्रीराम, सभी गीत गौतम सुषमिता द्वारा दिए गए हैं। चिरंजीवी आधारित गीतों मानो जीनी की केबी, अमी मानो अमी, सुकुना नाई अमोना, सरनलता बोल माँ, तारा जीतो प्रभाकर, इटो ऐसे ची तोमरी, पलियाकर टोर किरोले, मानो ठग ठग बाबा ठग, मानो मानो। और हम बात करें इस मूवी के पूर्व गायक के बारे में। इस मूवी के गायक नागुर बाबुआ, जिन्हें उसके मान्य नाम मानो से जाना जाता है, एक भारतीय पूर्व गायक है। वॉइस ओवर कलाकार, अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन एंक और संगीतकार है। मानो का जन्म नागोरा बाबू
का जन्म 26 अक्टूबर 1965, आयु 97 वर्ष, वल्लई आंध्र प्रदेश, भारत शैली पूर्ण गायन, कर्नाटक संगीत, व्यावसायिक गायक, अभिनेता, निर्माता, आवाज़ डबिंग कलाकार, संगीतकार, सक्रिय वर्ष 1970, वर्तमान मानो ने फिल्म और निजी विभिन्न तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, तुलकोयनी और असमिया फिल्मों के लिए 24,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने महाद्वीपों में से 3,000 से अधिक लाइव संगीत कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने संगीत निर्देशक इलैयाराज के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए। मधु ने 1995 तेलुगु में रजनीकांत के लिए पूर्ण डबिंग कलाकार के रूप में भी पहचाना जाता है। करियर शुरुआती दिन और पर्दापन आलोचना को अपनी प्रगति में लेते हुए मानो इलिया राजा के साथ 500 से अधिक सफल गीतों की रिकॉर्डिंग की और धीरे धीरे अन्य तमिल संगीतकारों के लिए भी गाया। वॉइस ओवर डबिंग 1985-95 में तेलुगु फिल्म उद्योग में वॉइस ओवर डबिंग कलाकार के रूप में मानो का एक चेहरा भी दिखा गया है। उन्होंने तेलुगु में लगभग सभी रजनीकांत स्टार के लिए अपनी आवाज़ दी है। उनकी आवाज़ लगभग रजनीकांत का पर्याय बन गई और सभी निर्देशक और निर्माता द्वारा इनकी काफ़ी मांग रही थी। उन्होंने तेलुगु की कुछ फिल्मों में कमल हसन के लिए अपनी आवाज़ दी है। टेलीविजन का काम करता है मानो मना थोड़ू मानो की मेज़बानी कर रहा है। जया टीवी में एक संगीत टॉक शो, व्यक्तिगत जीवन मानो की शादी जमीला से 1985 में हुई थी। उनका बेटा सिकारा एक अभिनेता है और रुए नांगा 2012 में अभिनय किया है। फिल्मोग्राफी अभिनेता के तेलुगी 1979 नेडा, 1979 रंगू रावड़ी राजू के रूप में, 1980 क्यों तोड़ा तो आदि, दो होले डार्लिंग नी, मानसून नाकू तेलु, 2003 में रिलीज हुई थी बंगाली फिल्म हरिनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित है। इसमें जीत, कोयल मलिक, रंजीत मलिक और मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया है। यह फिल्म कोयल मलिक की सिनेमाई शुरुआत थी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। नेटवर्क मूवी के निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती हैं द्वारा लिखित है, समरेश बसु द्वारा निर्मित। संजनी फिल्म में अभिनेता जीत, कोयल मलिक, रंजीत मलिक, मौसमी चटर्जी। छायांकन वी प्रभाकर द्वारा संपादित, स्वपन गुहा संगीत दिया, एसपी विकेंस ने द्वारा वितरित। एक्से मूवीज रिलीज की तारीख 11 अप्रैल 2003, कार्यकारी समय 145 मिनट, देश भारत, भाषा बंगाली। और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी में समरेश बसु पर आधारित है। एक रोमांटिक कॉमेडी का लोकप्रिय उपन्यास नटगुरु। चार मुख्य किरदारों रवि, शशि, भूषण, सुलेचना और मनीषा के इधर गिर्द घूमती है। शशि और सुलेचना एक अलग युगल है जो परंपरा एक दूसरे से अलग है लेकिन कानूनी रूप से तलाकशुदा नहीं है। अलगवा दोनों पक्षों की गलतफहमी, अहंकार और पूर्व कल्पित धारणाओं से बाहर है। 15 वर्षों के बाद सुलोचना एक बिजनेसमैन टाइकून है जबकि शशिभूषण एक बेकार रेस कोर्स बुकी है। उनकी एकलौती बेटी मनीषा डांसर है और अपनी माँ के साथ रहती है। सुलोचना को दिल का दौरा पड़ता है और मदद पाने में असमर्थ मनीषा अपने पिता के पास जाती है। पिता पुत्री कोम्बे तय करते हैं कि बीमारी सलोचना को कोई तनाव या चिंता नहीं दी जा सकती, इसलिए वे एक चोरी छिपे ऑपरेशन कराते हैं। वे शशि के दोस्त और सहयोगी रविजीत मेहता को किराए पर लेने का फैसला करते हैं और उसे दुर्गा दास के रूप में पेश करते हैं। मनीषा द्वारा जब भी आवश्यक हो ब्रोकिस देने के लिए रवि की आवश्यकता होती है, वह नियमित हो जाता है लेकिन दोनों अक्सर बेमतलब की बातों को लेकर झगड़ते हैं, लड़ते रहते हैं और मनीषा के व्यवहार से रवि का अपमान होता है। रवि सलोचना के पैर छूती है क्योंकि
क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाती हैं और संगीत वास्तव में सरोजना को ठीक कर देता है और वह फिर चलने में सक्षम हो जाती है। सरोजना रवि से प्यार करती है। इस बीच सरोजना गलती से रवि की मौलिकता को उजागर कर देती है। सुलोकोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान की प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी और सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास परेशानी पैदा करता है, लेकिन शशि के सहयोगी योग से प्रेमी फिर से मिल जाते हैं। शशि और सुलोचना को अपना खोया हुआ फिर से प्यार मिल जाता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। रवि सुलोचना के पैर छूती है क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं। संगीत वास्तव में सुलोचना को ठीक कर देता है। सुलोकोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास पैकना रवि जीत रवि मैत्रा के रूप में, मनीषा के रूप में कोयल मलिक, मनीषा के पिता के रूप में रंजीत मलिक, मनीषा की माँ के रूप में मौसमी चटर्जी, रवि की दोस्त के रूप में कंचन मलिक, नीमू भूमिका अशोक, मुख्य उपाध्याय पुष्पिता मुखर्जी, मनी के रूप में कौशिक भट्टाचार्य, सचिन मलिक। और हम बात करें इस मूवी के गीत संगीत के बारे में, एल्बम को नटर गुरु के लिए एसपी विकेंस ने कंपोज किया है। गायक जूटू, शरणलता, मोनू प्रका प्रभाकर, अनुराधा श्रीराम, सभी गीत गौतम सुषमिता द्वारा दिए गए हैं। चिरोडनी आधारित गीतों मानो जीनी की केबी अमी मानो अमी सुकुना नाई अमोना सरुणलता बोल मा तारा जीतो प्रभाकर इटो ऐसे ची तोमरी पलियाकर टोर किरोले मानो ठग ठग बाबा ठग मानो मानो। और हम बात करें इस मूवी के पूर्व गायक के बारे में, इस मूवी के गायक नागुर बाबुआ जिन्हें उसके मान्य नाम मानो से जाना जाता है, एक भारतीय पूर्व गायक है। वॉइस ओवर कलाकार, अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन एंक और संगीतकार है। मानो का जन्म नागोरा बाबू का जन्म 26 अक्टूबर 1965, आयु 97 वर्ष, पल्लई आंध्र प्रदेश, भारत शैली पूर्ण गायन, कर्नाटक संगीत, व्यावसायिक गायक, अभिनेता, निर्माता, आवाज, डबिंग कलाकार, संगीतकार। सक्रिय वर्ष 1970, वर्तमान मानो ने फिल्म और निजी विभिन्न तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, तुलकोरिनी और असमिया फिल्मों के लिए 24,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने महाद्वीपों में से 3,000 से अधिक लाइव संगीत कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने संगीत निर्देशक इलैयाराज के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए। मथुर ने 1995 तेलुगु में रजनीकांत के लिए पूर्ण डबिंग कलाकार के रूप में भी पहचाना जाता है। करियर शुरुआती दिन और पदार्पण आलोचना को अपनी प्रगति में लेते हुए मानो इलिया राजा के साथ 500 से अधिक सफल गीतों की रिकॉर्डिंग की और धीरे धीरे अन्य तमिल संगीतकारों के लिए भी गाया। वॉइस ओवर डबिंग 1985-95 में तेलुगु फिल्म उद्योग में वॉइस ओवर डबिंग कलाकार के रूप में मानो का एक चेहरा भी दिखा गया है। उन्होंने तेलुगु में लगभग सभी रजनीकांत स्टार के लिए अपनी आवाज़ दी है। उनकी आवाज़ लगभग रजनीकांत का पर्याय बन गई और सभी निर्देशक और निर्माता द्वारा इनकी माफ़ी मांग दी काफ़ी मांग रही थी। उन्होंने तेलुगु की कुछ फिल्मों में कमल हसन के लिए अपनी आवाज़ दी है। टेलीविजन का काम करता है मानो मना थोड़ू मानो की मेजबानी कर रहा है। जया टीवी में एक संगीत टॉक शो, व्यक्तिगत जीवन मानो की शादी जमीला से 1985 में हुई थी। उनका बेटा सिकारा एक अभिनेता है और रुए नांगा 2012 में अभिनय किया है। फिल्मोग्राफी अभिनेता के तेलुगी 1979 नेडा, 1979 रंगु रावड़ी राजू के रूप में, 1980 क्योतोड़ा तो आदि, दो होले डार्लिंग नी मानसून नाकू तेलुगु, 2003 में रिलीज हुई थी बंगाली फिल्म, हरिनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित है। इसमें जीत, कोयल मलिक, रंजीत मलिक और मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया है। यह फिल्म कोयल मलिक की सिनेमाई
शुरुआत थी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। नेटर ग्रुप मूवी के निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती हैं द्वारा लिखित है, समरेश बसु द्वारा निर्मित। संजनी फिल्म में अभिनेता जीत, कोयल मलिक, रंजीत मलिक, मौसमी चटर्जी। छायांकन वी प्रभाकर द्वारा संपादित। स्वपन गुहा संगीत दिया एस पी विकेंस ने द्वारा वितरित। एक्से मूवीज रिलीज की तारीख 11 अप्रैल 2003। कार्यकारी समय 145 मिनट। देश भारत। भाषा बंगाली। और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी में समरेश बसु पर आधारित है। एक रोमांटिक कॉमेडी का लोकप्रिय उपन्यास नटगुरु। चार मुख्य किरदारों रवि, शशि, भूषण, सुलेचना और मनीषा के इधर गिर्द घूमती है। शशि और सुलेचना एक अलग युगल है जो परंपरा एक दूसरे से अलग है, लेकिन कानूनी रूप से तलाकशुदा नहीं है। अलग व दोनों पक्षों की गलतफहमी, अहंकार और पूर्व कल्पित धारणाओं से बाहर है। 15 वर्षों के बाद सुलोचना एक बिजनेसमैन टाइकून है, जबकि शशिभूषण एक बेकार रेस कोर्स बुकी है। उनकी एकलौती बेटी मनीषा डांसर है और अपनी माँ के साथ रहती है। सुलोचना को दिल का दौरा पड़ता है और मदद पाने में असमर्थ मनीषा अपने पिता के पास जाती है। पिता पुत्री कोम्बे तय करते हैं कि बीमारी सुलोचना को कोई तनाव या चिंता नहीं दी जा सकती, इसलिए वे एक चोरी छिपे ऑपरेशन कराते हैं। वे शशि के दोस्त और सहयोगी रविजीत मेहता को किराए पर लेने का फैसला करते हैं और उसे दुर्गा दास के रूप में पेश करते हैं। मनीषा द्वारा जब भी आवश्यक हो ब्रोकिस देने के लिए रवि की आवश्यकता होती है, वह नियमित हो जाता है, लेकिन दोनों अक्सर बेमतलब की बातों को लेकर झगड़ते हैं, लड़ते रहते हैं और मनीषा के व्यवहार से रवि का अपमान होता है। रवि सलोचना के पैर छूती है क्योंकि क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं और संगीत वास्तव में सलोचना को ठीक कर देता है और वह फिर चलने में सक्षम हो जाती है। सलोचना रवि से प्यार करती है। इस बीच सलोचना गलती से रवि की मौलिकता को उजागर कर देती है। सुलू कोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान की प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी और सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास परेशानी पैदा करता है, लेकिन शशि के सहयोगी योग से प्रेमी फिर से मिल जाते हैं। शशि और सुलोचना को अपना खोया हुआ फिर से प्यार मिल जाता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। रवि सुलोचना के पैर छूती है क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं। संगीत वास्तव में सलोचना को ठीक कर देता है। सुलू कोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास पैकना रविजीत रवि मेहता के रूप में, मनीषा के रूप में कोयल मलिक, मनीषा के पिता के रूप में रंजीत मलिक, मनीषा की माँ के रूप में मौसमी चटर्जी, रवि की दोस्त के रूप में कंचन मलिक, नीमू भूमिका अशोक, मुख्योपाध्याय पुष्पिता मुखर्जी, मनी के रूप में कौशिक भट्टाचार्य, सचिन मलिक। और हम बात करें इस मूवी के गीत संगीत के बारे में। एल्बम को नटर गुरु के लिए एस पी विकेंस ने कंपोज किया है। गायक जूटू, सरनलता, मोनू प्रका प्रभाकर, अनुराधा श्रीराम, सभी गीत गौतम सुषमिता द्वारा दिए गए हैं। चिरंजीवी आधारित गीतों मानो जीनी की केबी अमी, मानो अमी सुकुना नाई, अमोना सरनलता, बोल मा तारा जीतो प्रभाकर, इटो ऐसे ची तोमरी पलिया कर टोर किरोले, मानो ठग ठग बाबा ठग, मानो मानो। और हम बात करें इस मूवी के पूर्व गायक के बारे में। इस मूवी के गायक नागुर बाबुआ, जिन्हें उसके मान्य नाम मानो से जाना जाता है, एक भारतीय पूर्व गायक है। वॉइस ओवर कलाकार, अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन एंक और संगीतकार है। मानो का जन्म नागोरा बाबू का जन्म 26 अक्टूबर 1965, आयु 97 वर्ष, वल्लई आंध्र प्रदेश, भारत
शैली, पूर्ण गायन, कर्नाटक संगीत, व्यवसायी गायक, अभिनेता, निर्माता, आवाज, डबिंग कलाकार, संगीतकार, सक्रिय वर्ष 1970 वर्तमान, मानो ने फिल्म और निजी विभिन्न तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, तुलकोयनी और असमिया फिल्मों के लिए 24,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने महाद्वीपों में से 3,000 से अधिक लाइव संगीत कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने संगीत निर्देशक इलैयाराज के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए। मथुर ने 1995 तेलुगु में रजनीकांत के लिए पूर्ण डबिंग कलाकार के रूप में भी पहचाना जाता है। करियर शुरुआती दिन और पर्दापन आलोचना को अपनी प्रगति में लेते हुए मानो इलिया राजा के साथ 500 से अधिक सफल गीतों की रिकॉर्डिंग की और धीरे धीरे अन्य तमिल संगीतकारों के लिए भी गाया। वॉइस ओवर डबिंग 1985-95 में तेलुगु फिल्म उद्योग में वॉइस ओवर डबिंग कलाकार के रूप में मानो का एक चेहरा भी दिखा गया है। उन्होंने तेलुगु में लगभग सभी रजनीकांत स्टार के लिए अपनी आवाज़ दी है। उनकी आवाज़ लगभग रजनीकांत का पर्याय बन गई और सभी निर्देशक और निर्माता द्वारा इनकी माफ़ी मांग दी काफ़ी मांग रही थी। उन्होंने तेलुगु की कुछ फिल्मों में कमल हसन के लिए अपनी आवाज़ दी है। टेलीविजन का काम करता है मानो मनाथुडु मानो की मेज़बानी कर रहा है। जया टीवी में एक संगीत टॉक शो, व्यक्तिगत जीवन मानो की शादी जमीला से 1985 में हुई थी। उनका बेटा सिकारा एक अभिनेता है और रुए नांगा 2012 में अभिनय किया है। फिल्मोग्राफी अभिनेता के तेलुगी 1979 नेडा, 1979 रंगू रावड़ी राजू के रूप में, 1980 क्यों तोड़ा तो आदि, दो होले डार्लिंग नी मानसू नाकू तेलुस, 2003 में रिलीज हुई थी। बंगाली फिल्म हरिनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित है। इसमें जीत, कोयल मलिक, रंजीत मलिक और मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया है। यह फिल्म कोयल मलिक की सिनेमाई शुरुआत थी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। नेटर ग्रुप मूवी के निर्देशक हरिनाथ चक्रवर्ती हैं, द्वारा लिखित है समरेश बसु द्वारा निर्मित। संजनी फिल्म में अभिनेता जीत, कोयल मलिक, रंजीत मलिक, मौसमी चटर्जी। छायांकन वी प्रभाकर द्वारा संपादित, स्वपन गुहा संगीत दिया, एस वी विकेंस ने द्वारा वितरित। एक्से मूवीज रिलीज की तारीख 11 अप्रैल 2003, कार्यकारी समय 145 मिनट, देश भारत, भाषा बंगाली। और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी में समरेश बसु पर आधारित है। एक रोमांटिक कॉमेडी का लोकप्रिय उपन्यास नटगुरु। चार मुख्य किरदारों रवि, शशि, भूषण, सुलेचना और मनीषा के इधर गिर्द घूमती है। शशि और सुलेचना एक अलग युगल है जो परंपरा एक दूसरे से अलग है लेकिन कानूनी रूप से तलाकशुदा नहीं है। अलगवा दोनों पक्षों की गलतफहमी, अहंकार और पूर्व कल्पित धारणाओं से बाहर है। 15 वर्षों के बाद सुलोचना एक बिजनेसमैन टाइकून है जबकि शशिभूषण एक बेकार रेस कोर्स बुकी है। उनकी एकलौती बेटी मनीषा डांसर है और अपनी माँ के साथ रहती है। सुलोचना को दिल का दौरा पड़ता है और मदद पाने में असमर्थ मनीषा अपने पिता के पास जाती है। पिता पुत्री कोम्बे तय करते हैं कि बीमारी सलोचना को कोई तनाव या चिंता नहीं दी जा सकती, इसलिए वे एक चोरी छिपे ऑपरेशन कराते हैं। वे शशि के दोस्त और सहयोगी रविजीत मेहता को किराए पर लेने का फैसला करते हैं और उसे दुर्गा दास के रूप में पेश करते हैं। मनीषा द्वारा जब भी आवश्यक हो ब्रोकिस देने के लिए रवि की आवश्यकता होती है, वह नियमित हो जाता है लेकिन दोनों अक्सर बेमतलब की बातों को लेकर झगड़ते हैं, लड़ते रहते हैं और मनीषा के व्यवहार से रवि का अपमान होता है। रवि सलोचना और पैर छूती है रवि सलोचना के पैर छूती है क्योंकि क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं और संगीत वास्तव में सलोचना को ठीक कर देता है और वह फिर चलने में सक्षम हो जाती है। सलोचना रवि से प्यार करती है। इस बीच सलोचना गलती से रवि
की मौलिकता को उजागर कर देती है। सुलु कोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान की प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी और सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास परेशानी पैदा करता है, लेकिन शशि के सहयोगी योग से प्रेमी फिर से मिल जाते हैं। शशि और सुलोचना को अपना खोया हुआ फिर से प्यार मिल जाता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। रवि सुलोचना के पैर छूती है क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं। संगीत वास्तव में सुलोचना को ठीक कर देता है। सुलु कोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास पैकना रवि जीत रवि मेत्रा के रूप में, मनीषा के रूप में कोयल मलिक, मनीषा के पिता के रूप में रंजीत मलिक, मनीषा की माँ के रूप में मौसमी चटर्जी, रवि की दोस्त के रूप में कंचन मलिक, नीमू भूमिका अशोक, मुख्य उपाध्याय पुष्पिता मुखर्जी, मणि के रूप में कौशिक भट्टाचार्य, सचिन मलिक। और हम बात करें इस मूवी के गीत संगीत के बारे में, एल्बम को नटर गुरु के लिए एस पी विकेंस ने कंपोज किया है। गायक जूटू, सरनलता, मोनू प्रकाश प्रभाकर, अनुराधा श्रीराम, सभी गीत गौतम सुषमिता द्वारा दिए गए हैं। चिरंजीवी आधारित गीतों मानो जीनी की केबी अमी मानो अमी सुकुना नाई अमोना सरनलता बोल मा तारा जीतो प्रभाकर इटो ऐसे ची तोमरी पलियाकर टोर किरोले मानो ठग ठग बाबा ठग मानो मानो। और हम बात करें इस मूवी के पूर्व गायक के बारे में, इस मूवी के गायक नागुर बाबुआ जिन्हें उसके मान्य नाम मानो से जाना जाता है, एक भारतीय पूर्व गायक है। वॉइस ओवर कलाकार, अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन एंक और संगीतकार है। मानो का जन्म नागोरा बाबू का जन्म 26 अक्टूबर 1965, आयु 97 वर्ष, वल्लई आंध्र प्रदेश, भारत शैली पूर्ण गायन, कर्नाटक संगीत, व्यावसायिक गायक, अभिनेता, निर्माता, आवाज, डबिंग कलाकार, संगीतकार। सक्रिय वर्ष 1970, वर्तमान मानो ने फिल्म और निजी विभिन्न तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, तुलकोयनी और असमिया फिल्मों के लिए 24,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने महाद्वीपों में से 3,000 से अधिक लाइव संगीत कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने संगीत निर्देशक इलैयाराज के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए। मथुर ने 1995 तेलुगु में रजनीकांत के लिए पूर्ण डबिंग कलाकार के रूप में भी पहचाना जाता है। करियर शुरुआती दिन और पर्दापण आलोचना को अपनी प्रगति में लेते हुए मानो इलिया राजा के साथ 500 से अधिक सफल गीतों की रिकॉर्डिंग की और धीरे धीरे अन्य तमिल संगीतकारों के लिए भी गाया। वॉइस ओवर डबिंग 1985-95 में तेलुगु फिल्म उद्योग में वॉइस ओवर डबिंग कलाकार के रूप में मानो का एक चेहरा भी दिखा गया है। उन्होंने तेलुगु में लगभग सभी रजनीकांत स्टार के लिए अपनी आवाज़ दी है। उनकी आवाज़ लगभग रजनीकांत का पर्याय बन गई और सभी निर्देशक और निर्माता द्वारा इनकी माफ़ी मांग दी काफ़ी मांग रही थी। उन्होंने तेलुगु की कुछ फिल्मों में कमल हसन के लिए अपनी आवाज़ दी है। टेलीविजन का काम करता है मानो मनाथुडु मानो की मेज़बानी कर रहा है। जया टीवी में एक संगीत टॉक शो। व्यक्तिगत जीवन मानो की शादी जमीला से 1985 में हुई थी। उनका बेटा सिकारा एक अभिनेता है और रुए नांगा 2012 में अभिनय किया है। फिल्मोग्राफी अभिनेता के तेलुगी 1979 नेडा, 1979 रंगू रावड़ी राजू के रूप में, 1980 क्योतोड़ा तो आदि, दो होले डार्लिंग नी मानसू नाकू तेलु, 2003 में रिलीज हुई थी बंगाली फिल्म। हरिनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित है। इसमें जीत कोयल मलिक, रंजीत मलिक और मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया है। यह फिल्म कोयल मलिक की सिनेमाई शुरुआत थी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। नेटर मूवी के निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती हैं द्वारा लिखित है, समरेश बसु द्वारा निर्मित। संजनी फिल्म में अभिनेता जीत कोयल मलिक, रंजीत मलिक,
मौसमी चटर्जी, छायाकन वी प्रभाकर द्वारा संपादित, स्वपन गुहा संगीत दिया एस वी विकेंस ने द्वारा वितरित, एक्से मूवीज। रिलीज की तारीख 11 अप्रैल 2003, कार्यकारी समय 145 मिनट, देश भारत, भाषा बंगाली। और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, इस मूवी की कहानी में समलैंगिक इशू पर आधारित है। एक रोमांटिक कॉमेडी का लोकप्रिय उपन्यास नटगुरु, चार मुख्य किरदारों रवि, शशि भूषण, सुलेचना और मनीषा के इधर गिर्द घूमती है। शशि और सुलेचना एक अलग युगल है जो परंपरा एक दूसरे से अलग है, लेकिन कानूनी रूप से तलाकशुदा नहीं है। अलग व दोनों पक्षों की गलतफहमी, अहंकार और पूर्व कल्पित धारणाओं से बाहर है। 15 वर्षों के बाद सुलोचना एक बिजनेसमैन टाइकून है, जबकि शशिभूषण एक बेकार रेस कोर्स बुकी है। उनकी एकलौती बेटी मनीषा डांसर है और अपनी माँ के साथ रहती है। सुलोचना को दिल का दौरा पड़ता है और मदद पाने में असमर्थ मनीषा अपने पिता के पास जाती है। पिता पुत्री कोम्बे तय करते हैं कि बीमारी सुलोचना को कोई तनाव या चिंता नहीं दी जा सकती, इसलिए वे एक चोरी छिपे ऑपरेशन कराते हैं। वे शशि के दोस्त और सहयोगी रविजीत मेहता को किराए पर लेने का फैसला करते हैं और उसे दुर्गादास के रूप में पेश करते हैं। मनीषा द्वारा जब भी आवश्यक हो प्रोकिस देने के लिए रवि की आवश्यकता होती है, वह नियमित हो जाता है, लेकिन दोनों अक्सर बेमतलब की बातों को लेकर झगड़ते हैं, लड़ते रहते हैं और मनीषा के व्यवहार से रवि का अपमान होता है। रवि सलोचना के पैर छूती है क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं और संगीत वास्तव में सलोचना को ठीक कर देता है और वह फिर चलने में सक्षम हो जाती है। सलोचना रवि से प्यार करती है। इस बीच सलोचना गलती से रवि की मौलिकता को उजागर कर देती है। सुलोचना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान की प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी और सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास परेशानी पैदा करता है, लेकिन शशि के सहयोगी योग से प्रेमी फिर से मिल जाते हैं। शशि और सुलोचना को अपना खोया हुआ फिर से प्यार मिल जाता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। रवि सुलोचना के पैर छूती है क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं। संगीत वास्तव में सुलोचना को ठीक कर देता है। सुलोचना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास पैकना रविजीत रवि मेहता के रूप में, मनीषा के रूप में कोयल मलिक, मनीषा के पिता के रूप में रंजीत मलिक, मनीषा की मां के रूप में मौसमी चटर्जी, रवि की दोस्त के रूप में कंचन मलिक, नीमू भूमिका अशोक, मुख्योपाध्याय पुष्पिता मुखर्जी, मनी के रूप में कौशिक भट्टाचार्य, सचिन मलिक। और हम बात करें इस मूवी के गीत संगीत के बारे में, एल्बम को नटर गुरु के लिए एस पी विकेंस ने कंपोज किया है। गायक जूटू, शरणलता, मोनू प्रभाकर, अनुराधा श्रीराम, सभी गीत गौतम सुष्मिता द्वारा दिए गए हैं। चिरोडनी आधारित गीतों मानो जीनी की केबी, अमी मानो अमी, सुकुना नाई अमोना, शरणलता बोल मा तारा, जीतो प्रभाकर इटो ऐसे ची तोमरी, पलियाकर टोर किरोले मानो ठग ठग बाबा ठग मानो मानो। और हम बात करें इस मूवी के पूर्व गायक के बारे में, इस मूवी के गायक नागुर बाबुआ, जिन्हें उसके मान्य नाम मानो से जाना जाता है, एक भारतीय पूर्व गायक है, वॉइस ओवर कलाकार, अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन एंक और संगीतकार है। मानो का जन्म नागोरा बाबू का जन्म 26 अक्टूबर 1965, आयु 97 वर्ष, पल्लई आंध्र प्रदेश, भारत शैली पूर्ण गायन, कर्नाटक संगीत, व्यवसायिक गायक, अभिनेता, निर्माता, आवाज, डबिंग कलाकार, संगीतकार, सक्रिय वर्ष 1977, वर्तमान मानो ने फिल्म और निजी विभिन्न तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी,
कोहनी और असमिया फिल्मों के लिए 24,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने महाद्वीपों में से 3,000 से अधिक लाइव संगीत कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने संगीत निर्देशक इलैयाराज के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए। मथुर ने 1995 तेलुगु में रजनीकांत के लिए पूर्ण डबिंग कलाकार के रूप में भी पहचाना जाता है। करियर शुरुआती दिन और पर्दापण आलोचना को अपनी प्रगति में लेते हुए मानो इलिया राजा के साथ 500 से अधिक सफल गीतों की रिकॉर्डिंग की और धीरे धीरे अन्य तमिल संगीतकारों के लिए भी गाया। वॉइस ओवर डबिंग 1985-95 में तेलुगु फिल्म उद्योग में वॉइस ओवर डबिंग कलाकार के रूप में मानो का एक चेहरा भी दिखा गया है। उन्होंने तेलुगु में लगभग सभी रजनीकांत स्टार के लिए अपनी आवाज़ दी है। उनकी आवाज़ लगभग रजनीकांत का पर्याय बन गई और सभी निर्देशक और निर्माता द्वारा इनकी काफ़ी मांग रही थी। उन्होंने तेलुगु की कुछ फिल्मों में कमल हसन के लिए अपनी आवाज़ दी है। टेलीविजन का काम करता है मानो की मेजबानी कर रहा है। जया टीवी में एक संगीत टॉक शो। व्यक्तिगत जीवन मानो की शादी जमीला से 1985 में हुई थी। उनका बेटा सिकारा एक अभिनेता है और रुए नांगा 2012 में अभिनय किया है। फिल्मोग्राफी अभिनेता के तेलुगु 1979 नेडा, 1979 रंगू रावड़ी राजू के रूप में, 1980 के तोड़ा तो आदि, दो होले डार्लिंग नी मानसून नाकू तेलुगु, 2003 में रिलीज हुई थी। बंगाली फिल्म हरिनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित है। इसमें जीत कोयल मलिक, रंजीत मलिक और मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया है। यह फिल्म कोयल मलिक की सिनेमाई शुरुआत थी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। नेटर मूवी के निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती हैं, द्वारा लिखित है समरेश बसु, द्वारा निर्मित संजनी फिल्में अभिनेता जीत कोयल मलिक, रंजीत मलिक, मौसमी चटर्जी। छायांकन वी प्रभाकर द्वारा संपादित, स्वपन गुहा संगीत दिया एस पी विकेंस ने, द्वारा वितरित एक्से मूवीज। रिलीज की तारीख 11 अप्रैल 2003। कार्यकारी समय 145 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली। और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी में समरेश बसु पर आधारित है। एक रोमांटिक कॉमेडी का लोकप्रिय उपन्यास नटगुरु। चार मुख्य किरदारों रवि, शशि भूषण, सुलेचना और मनीषा के इधर गिर्द घूमती है। शशि और सुलेचना एक अलग युगल है जो परंपरा एक दूसरे से अलग है, लेकिन कानूनी रूप से तलाकशुदा नहीं है। अलगवा दोनों पक्षों की गलतफहमी, अहंकार और पूर्व कल्पित धारणाओं से बाहर है। 15 वर्षों के बाद सुलोचना एक बिजनेसमैन टाइकून है, जबकि शशि भूषण एक बेकार रेस कोर्स बुकी है। उनकी एकलौती बेटी मनीषा डांसर है और अपनी माँ के साथ रहती है। सुलोचना को दिल का दौरा पड़ता है और मदद पाने में असमर्थ मनीषा अपने पिता के पास जाती है। पिता पुत्री कोम्बे तय करते हैं कि बीमारी सलोचना को कोई तनाव या चिंता नहीं दी जा सकती, इसलिए वे एक चोरी छिपे ऑपरेशन कराते हैं। वे शशि के दोस्त और सहयोगी रविजीत मेहता को किराए पर लेने का फैसला करते हैं और उसे दुर्गा दास के रूप में पेश करते हैं। मनीषा द्वारा जब भी आवश्यक हो ब्रोकिस देने के लिए रवि की आवश्यकता होती है, वह नियमित हो जाता है, लेकिन दोनों अक्सर बेमतलब की बातों को लेकर झगड़ते हैं, लड़ते रहते हैं और मनीषा के व्यवहार से रवि का अपमान होता है। रवि सलोचना के पैर छूती है क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाती हैं और संगीत वास्तव में सलोचना को ठीक कर देता है और वह फिर चलने में सक्षम हो जाती है। सलोचना रवि से प्यार करती है। इस बीच सलोचना गलती से रवि की मौलिकता को उजागर कर देती है। सुलू कोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान की प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी और सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास परेशानी
पैदा करता है, लेकिन शशि के सहयोगी योग से प्रेमी फिर से मिल जाते हैं। शशि और सुलोचना को अपना खोया हुआ फिर से प्यार मिल जाता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। रवि सुलोचना के पैर छूती है क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं। संगीत वास्तव में सुलोचना को ठीक कर देता है। सुलोकोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास पैकना रवि जीत रवि मैत्रा के रूप में, मनीषा के रूप में कोयल मलिक, मनीषा के पिता के रूप में रंजीत मलिक, मनीषा की माँ के रूप में मौसमी चटर्जी, रवि की दोस्त के रूप में कंचन मलिक, नीमू भूमिका अशोक, मुख्य उपाध्याय पुष्पिता मुखर्जी, मणि के रूप में कौशिक भट्टाचार्य, सचिन मलिक। और हम बात करें इस मूवी के गीत संगीत के बारे में, एल्बम को नटर गुरु के लिए एस पी विकेंस ने कंपोज किया है। गायक जूटू, सरनलता, मोनू प्रका प्रभाकर, अनुराधा श्रीराम, सभी गीत गौतम सुषमिता द्वारा दिए गए हैं। चिरोडनी आधारित गीतों मानो जीनी की के बी अमी मानो अमी सुकुना नाई अमोना सरुणलता बोल मा तारा जीतो प्रभाकर इटो ऐसे ची तोमरी पलिया कर टोर किरोले मानो ठग ठग बाबा ठग मानो मानो। और हम बात करें इस मूवी के पूर्व गायक के बारे में, इस मूवी के गायक नागुर बाबुआ जिन्हें उसके मान्य नाम मानो से जाना जाता है, एक भारतीय पूर्व गायक है। वॉइस ओवर कलाकार, अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन एंक और संगीतकार है। मानो का जन्म नागोरा बाबू का जन्म 26 अक्टूबर 1965, आयु 97 वर्ष, वल्लई आंध्र प्रदेश, भारत शैली पूर्ण गायन, कर्नाटक संगीत, व्यावसायिक गायक, अभिनेता, निर्माता, आवाज, डबिंग कलाकार, संगीतकार, सक्रिय वर्ष 1977, वर्तमान मानो ने फिल्म और निजी विभिन्न तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, तुलकोयनी और असमिया फिल्मों के लिए 24,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने महाद्वीपों में से 3,000 से अधिक लाइव संगीत कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने संगीत निर्देशक इलैयाराज के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए। मधु ने 1995 तेलुगु में रजनीकांत के लिए पूर्ण डबिंग कलाकार के रूप में भी पहचाना जाता है। करियर शुरुआती दिन और पर्दापन आलोचना को अपनी प्रगति में लेते हुए मानो इलिया राजा के साथ 500 से अधिक सफल गीतों की रिकॉर्डिंग की और धीरे धीरे अन्य तमिल संगीतकारों के लिए भी गाया। वॉइस ओवर डबिंग 1985-95 में तेलुगु फिल्म उद्योग में वॉइस ओवर डबिंग कलाकार के रूप में मानो का एक चेहरा भी दिखा गया है। उन्होंने तेलुगु में लगभग सभी रजनीकांत स्टार के लिए अपनी आवाज़ दी है। उनकी आवाज़ लगभग रजनीकांत का पर्याय बन गई और सभी निर्देशक और निर्माता द्वारा इनकी माफ़ी मांग दी काफ़ी मांग रही थी। उन्होंने तेलुगु की कुछ फिल्मों में कमल हसन के लिए अपनी आवाज़ दी है। टेलीविजन का काम करता है मानो मना थोड़ू मानो की मेजबानी कर रहा है। जया टीवी में एक संगीत टॉक शो व्यक्तिगत जीवन मानो की शादी जमीला से 1985 में हुई थी। उनका बेटा सिकारा एक अभिनेता है और वे नांगा 2012 में अभिनय किया है। फिल्मोग्राफी अभिनेता के तेलुगी 1979 नेडा, 1979 रंगू रावड़ी राजू के रूप में, 1980 क्योतोड़ा तो आदि, दो होले डार्लिंग नी मानसू नाकू तेलु, 2003 में रिलीज हुई थी बंगाली फिल्म, हरिनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित है। इसमें जीत कोयल मलिक, रंजीत मलिक और मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया है। यह फिल्म कोयल मलिक की सिनेमाई शुरुआत थी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। नेटर मूवी के निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती हैं द्वारा लिखित है, समरेश बसु द्वारा निर्मित। संजनी फिल्म में अभिनेता जीत कोयल मलिक, रंजीत मलिक, मौसमी चटर्जी। छायाकन वी प्रभाकर द्वारा संपादित, स्वपन गुहा संगीत दिया, एस पी विकेंस ने द्वारा वितरित, एक्से मूवीज। रिलीज की तारीख 11 अप्रैल 2003, कार्यकारी समय 100
45 मिनट, देश भारत, भाषा बंगाली। और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, इस मूवी की कहानी में समरेश बसु पर आधारित है। एक रोमांटिक कॉमेडी का लोकप्रिय उपन्यास नटगुरु। चार मुख्य किरदारों रवि, शशि, भूषण, सुलेचना और मनीषा के इधर गिर्द घूमती है। शशि और सुलेचना एक अलग युगल है जो परंपरा एक दूसरे से अलग है, लेकिन कानूनी रूप से तलाकशुदा नहीं है। अलग व दोनों पक्षों की गलतफहमी, अहंकार और पूर्व कल्पित धारणाओं से बाहर है। 15 वर्षों के बाद सुलोचना एक बिजनेसमैन टाइकून है, जबकि शशिभूषण एक बेकार रेस कोर्स बुकी है। उनकी एकलौती बेटी मनीषा डांसर है और अपनी माँ के साथ रहती है। सुलोचना को दिल का दौरा पड़ता है और मदद पाने में असमर्थ मनीषा अपने पिता के पास जाती है। पिता पुत्री कोम्बे तय करते हैं कि बीमारी सुलोचना को कोई तनाव या चिंता नहीं दी जा सकती, इसलिए वे एक चोरी छिपे ऑपरेशन कराते हैं। वे शशि के दोस्त और सहयोगी रविजीत मेहता को किराए पर लेने का फैसला करते हैं और उसे दुर्गा दास के रूप में पेश करते हैं। मनीषा द्वारा जब भी आवश्यक हो प्रोकिस देने के लिए रवि की आवश्यकता होती है, वह नियमित हो जाता है, लेकिन दोनों अक्सर बेमतलब की बातों को लेकर झगड़ते हैं, लड़ते रहते हैं और मनीषा के व्यवहार से रवि का अपमान होता है। रवि सलोचना और पैर छूती है रवि सलोचना के पैर छूती है क्योंकि क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं और संगीत वास्तव में सलोचना को ठीक कर देता है और वह फिर चलने में सक्षम हो जाती है। सलोचना रवि से प्यार करती है। इस बीच सलोचना गलती से रवि की मौलिकता को उजागर कर देती है। सुलू कोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान की प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी और सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास परेशानी पैदा करता है, लेकिन शशि के सहयोगी योग से प्रेमी फिर से मिल जाते हैं। शशि और सुलोचना को अपना खोया हुआ फिर से प्यार मिल जाता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। रवि सुलोचना के पैर छूती है क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं। संगीत वास्तव में सुलोचना को ठीक कर देता है। सुलू कोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास पैकना रवि जीत रवि मेहता के रूप में, मनीषा के रूप में कोयल मलिक, मनीषा के पिता के रूप में रंजीत मलिक, मनीषा की माँ के रूप में मौसमी चटर्जी, रवि की दोस्त के रूप में कंचन मलिक, नीमू भूमिका अशोक, मुख्य उपाध्याय पुष्पिता मुखर्जी, मनी के रूप में कौशिक भट्टाचार्य, सचिन मलिक। और हम बात करें इस मूवी के गीत संगीत के बारे में, एल्बम को नटर गुरु के लिए एसपी विकेंस ने कंपोज किया है। गायक जूटू, सरनलता, मोनू प्रभाकर, अनुराधा श्रीराम, सभी गीत गौतम सुषमिता द्वारा दिए गए हैं। चिरंजीवी आधारित गीतों मानो जीनी की केबी, अमी मानो अमी, सुकुना नाई अमोना, सरनलता बोल मा तारा, जीतो प्रभाकर इटो ऐसे ची तोमरी, पलियाकर टोर किरोले, मानो ठग ठग बाबा ठग, मानो मानो। और हम बात करें इस मूवी के पूर्व गायक के बारे में, इस मूवी के गायक नागुर बाबुआ, जिन्हें उसके मान्य नाम मानो से जाना जाता है, एक भारतीय पूर्व गायक है, वॉइस ओवर कलाकार, अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन एंक और संगीतकार है। मानो का जन्म नागोरा बाबू का जन्म 26 अक्टूबर 1965, आयु 97 वर्ष, वल्लई, आंध्र प्रदेश, भारत शैली, पूर्ण गायन, कर्नाटक संगीत, व्यवसायी गायक, अभिनेता, निर्माता, आवाज, डबिंग कलाकार, संगीतकार, सक्रिय वर्ष 1970, वर्तमान मानो ने फिल्म और निजी विभिन्न तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, तुलकोरिनी और असमिया फिल्मों के लिए 24,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने महाद्वीपों में से 3,000 से अधिक लाइव संगीत कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने संगीत निर्देशक इलियाराज
इलैया राज के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए। मधु ने 1995 तेलुगु में रजनीकांत के लिए पूर्ण डबिंग कलाकार के रूप में भी पहचाना जाता है। करियर शुरुआती दिन और पदार्पण आलोचना को अपनी प्रगति में लेते हुए मानो इलिया राजा के साथ 500 से अधिक सफल गीतों की रिकॉर्डिंग की और धीरे धीरे अन्य तमिल संगीतकारों के लिए भी गाया। वॉइस ओवर डबिंग 1985-95 में तेलुगु फिल्म उद्योग में वॉइस ओवर डबिंग कलाकार के रूप में मानो का एक चेहरा भी दिखा गया है। उन्होंने तेलुगु में लगभग सभी रजनीकांत स्टार के लिए अपनी आवाज़ दी है। उनकी आवाज़ लगभग रजनीकांत का पर्याय बन गई और सभी निर्देशक और निर्माता द्वारा इनकी माफ़ी मांग दी काफ़ी मांग रही थी। उन्होंने तेलुगु की कुछ फिल्मों में कमल हसन के लिए अपनी आवाज़ दी है। टेलीविजन का काम करता है मानो मना थोड़ू मानो की मेजबानी कर रहा है। जया टीवी में एक संगीत टॉक शो। व्यक्तिगत जीवन मानो की शादी जमीला से 1985 में हुई थी। उनका बेटा सिकारा एक अभिनेता है और रुए नांगा 2012 में अभिनय किया है। फिल्मोग्राफी अभिनेता के तेलुगु 1979 नेडा 1979 रंगू रावड़ी राजू के रूप में 1980 के तोड़ा तो आदि दो होले डार्लिंग नी मानसू नाकू तेलु से 2003 में रिलीज हुई थी। बंगाली फिल्म हरिनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित है। इसमें जीत कोयल मलिक रंजीत मलिक और मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया है। यह फिल्म कोयल मलिक की सिनेमाई शुरुआत थी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। नेटर मूवी के निर्देशक हरिनाथ चक्रवर्ती हैं द्वारा लिखित है समरेश बसु द्वारा निर्मित संजनी फिल्म में अभिनेता जीत कोयल मलिक रंजीत मलिक मौसमी चटर्जी। छायांकन वी प्रभाकर द्वारा संपादित स्वप्न गुहा संगीत दिया एस पी विकेंस ने द्वारा वितरित एक्से मूवीज। रिलीज की तारीख 11 अप्रैल 2003। कार्यकारी समय 145 मिनट। देश भारत भाषा बंगाली। और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी में समरेश बसु पर आधारित है। एक रोमांटिक कॉमेडी का लोकप्रिय उपन्यास नटगुरु। चार मुख्य किरदारों रवि शशि भूषण सुलेचना और मनीषा के इर्द गिर्द घूमती है। शशि और सुलेचना एक अलग युगल है जो परंपरा एक दूसरे से अलग है लेकिन कानूनी रूप से तलाकशुदा नहीं है। अलगवा दोनों पक्षों की गलतफहमी अहंकार और पूर्व कल्पित धारणाओं से बाहर है। 15 वर्षों के बाद सुलोचना एक बिजनेसमैन टाइकून है जबकि शशिभूषण एक बेकार रेस कोर्स बुकी है। उनकी एकलौती बेटी मनीषा डांसर है और अपनी माँ के साथ रहती है। सुलोचना को दिल का दौरा पड़ता है और मदद पाने में असमर्थ मनीषा अपने पिता के पास जाती है। पिता पुत्री कोम्बे तय करते हैं कि बीमारी सलोचना को कोई तनाव या चिंता नहीं दी जा सकती इसलिए वे एक चोरी छिपे ऑपरेशन कराते हैं। वे शशि के दोस्त और सहयोगी रविजीत मेहता को किराए पर लेने का फैसला करते हैं और उसे दुर्गा दास के रूप में पेश करते हैं। मनीषा द्वारा जब भी आवश्यक हो ब्रोकिस देने के लिए रवि की आवश्यकता होती है वह नियमित हो जाता है लेकिन दोनों अक्सर बेमतलब की बातों को लेकर झगड़ते हैं लड़ते रहते हैं और मनीषा के व्यवहार से रवि का अपमान होता है। रवि सलोचना और पैर छूती है रवि सलोचना के पैर छूती है क्योंकि क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं और संगीत वास्तव में सलोचना को ठीक कर देता है और वह फिर चलने में सक्षम हो जाती है। सलोचना रवि से प्यार करती है। इस बीच सलोचना गलती से रवि की मौलिकता को उजागर कर देती है। सुलू कोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान की प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी और सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास परेशानी पैदा करता है लेकिन शशि के सहयोगी योग से प्रेमी फिर से मिल जाते हैं। शशि और सुलोचना को अपना खोया हुआ फिर से प्यार मिल जाता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। रवि सुलोचना के पैर छूती है क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं।
संगीत वास्तव में सलोचना को ठीक कर देता है। सुलुकोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। मनीषा को उससे प्यार हो जाते हैं। दुर्गादास पैकना रविजीत रवि मेहत्रा के रूप में, मनीषा के रूप में कोयल मलिक, मनीषा के पिता के रूप में रंजीत मलिक, मनीषा की माँ के रूप में मौसमी चटर्जी, रवि की दोस्त के रूप में कंचन मलिक, नीमू भूमिका अशोक, मुख्य उपाध्याय पुष्पिता मुखर्जी, मनी के रूप में कौशिक भट्टाचार्य, सचिन मलिक। और हम बात करें इस मूवी के गीत संगीत के बारे में, एल्बम को नटर गुरु के लिए एस पी विकेंस ने कंपोज किया है। गायक जूटू, सरनलता, मोनू प्रभाकर, अनुराधा श्रीराम, सभी गीत गौतम सुषमिता द्वारा दिए गए हैं। चिरोडनी आधारित गीतों मानो जीनी की के बी अमी मानो अमी सुकुना नाई अमोना सरनलता बोल मा तारा जीतो प्रभाकर इटो ऐसे ची तोमरी पलियाकर टोर किरोले मानो ठग ठग बाबा ठग मानो मानो। और हम बात करें इस मूवी के पूर्व गायक के बारे में, इस मूवी के गायक नागुर बाबुआ जिन्हें उसके मान्य नाम मानो से जाना जाता है, एक भारतीय पूर्व गायक है, वॉइस ओवर कलाकार, अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन एंक और संगीतकार है। मानो का जन्म नागोरा बाबू का जन्म 26 अक्टूबर 1965, आयु 97 वर्ष, वल्लई आंध्र प्रदेश, भारत शैली पूर्ण गायन, कर्नाटक संगीत, व्यवसायिक गायक, अभिनेता, निर्माता, आवाज, डबिंग कलाकार, संगीतकार, सक्रिय वर्ष 1977, वर्तमान मानो ने फिल्म और निजी विभिन्न तेलुगी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, तुलकोयनी और असमिया फिल्मों के लिए 24,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने महाद्वीपों में से 3,000 से अधिक लाइव संगीत कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने संगीत निर्देशक इलियाराज के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए। मथुर ने 1995 तेलुगी में रजनीकांत के लिए पूर्ण डबिंग कलाकार के रूप में भी पहचाना जाता है। करियर शुरुआती दिन और पर्दापन आलोचना को अपनी प्रगति में लेते हुए मानो इलिया राजा के साथ 500 से अधिक सफल गीतों की रिकॉर्डिंग की और धीरे धीरे अन्य तमिल संगीतकारों के लिए भी गाया। वॉइस ओवर डबिंग 1995 में तेलुगु फिल्म उद्योग में वॉइस ओवर डबिंग कलाकार के रूप में मानो का एक चेहरा भी दिखा गया है। उन्होंने तेलुगु में लगभग सभी रजनीकांत स्टार के लिए अपनी आवाज़ दी है। उनकी आवाज़ लगभग रजनीकांत का पर्याय बन गई और सभी निर्देशक और निर्माता द्वारा इनकी काफ़ी मांग रही थी। उन्होंने तेलुगु की कुछ फिल्मों में कमल हसन के लिए अपनी आवाज़ दी है। टेलीविजन का काम करता है मानो मनाथुड़ू मानो की मेज़बानी कर रहा है। जया टीवी में एक संगीत टॉक शो। व्यक्तिगत जीवन मानो की शादी जमीला से 1985 में हुई थी। उनका बेटा सिकारा एक अभिनेता है और वे नांगा 2012 में अभिनय किया है। फिल्मोग्राफी अभिनेता के तेलुगी 1979 नेडा, 1979 रंगू रावड़ी राजू के रूप में, 1980 कोतोड़ा तो आदि, दो होले डार्लिंग नी मानसू नाकू तेलु से 2003 में रिलीज हुई थी। बंगाली फिल्म हरिनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित है। इसमें जीत, कोयल मलिक, रंजीत मलिक और मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया है। यह फिल्म कोयल मलिक की सिनेमाई शुरुआत थी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। नेटर मूवी के निर्देशक हरिनाथ चक्रवर्ती हैं द्वारा लिखित है, समरेश बसु द्वारा निर्मित। संजनी फिल्म में अभिनेता जीत, कोयल मलिक, रंजीत मलिक, मौसमी चटर्जी। छायांकन वी प्रभाकर द्वारा संपादित। स्वपन गुहा संगीत दिया एस पी विकेंस ने द्वारा वितरित। एक्से मूवीज रिलीज की तारीख 11 अप्रैल 2003। कार्यकारी समय 145 मिनट। देश भारत। भाषा बंगाली। और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी में समरेश बसु पर आधारित है। एक रोमांटिक कॉमेडी का लोकप्रिय उपन्यास नटगुरु चार मुख्य
किरदारों रवि, शशि भूषण, सुलेचना और मनीषा के इधर गिर्द घूमती है। शशि और सुलेचना एक अलग युगल है जो परंपरा एक दूसरे से अलग है, लेकिन कानूनी रूप से तलाकशुदा नहीं है। अलग वह दोनों पक्षों की गलतफहमी, अहंकार और पूर्व कल्पित धारणाओं से बाहर है। 15 वर्षों के बाद सुलोचना एक बिजनेसमैन टाइकून है, जबकि शशि भूषण एक बेकार रेस कोर्स बुकी है। उनकी एकलौती बेटी मनीषा डांसर है और अपनी माँ के साथ रहती है। सुलोचना को दिल का दौरा पड़ता है और मदद पाने में असमर्थ मनीषा अपने पिता के पास जाती है। पिता पुत्री कुंभे तय करते हैं कि बीमारी सुलोचना को कोई तनाव या चिंता नहीं दी जा सकती, इसलिए वे एक चोरी छिपे ऑपरेशन कराते हैं। वे शशि के दोस्त और सहयोगी रविजीत मेहता को किराए पर लेने का फैसला करते हैं और उसे दुर्गा दास के रूप में पेश करते हैं। मनीषा द्वारा जब भी आवश्यक हो ब्रोकिस देने के लिए रवि की आवश्यकता होती है, वह नियमित हो जाता है, लेकिन दोनों अक्सर बेमतलब की बातों को लेकर झगड़ते हैं, लड़ते रहते हैं और मनीषा के व्यवहार से रवि का अपमान होता है। रवि सलोचना और पैर छूती है रवि सलोचना के पैर छूती है क्योंकि क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं और संगीत वास्तव में सलोचना को ठीक कर देता है और वह फिर चलने में सक्षम हो जाती है। सलोचना रवि से प्यार करती है। इस बीच सलोचना गलती से रवि की मौलिकता को उजागर कर देती है। सुलोचना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान की प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी और सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास परेशानी पैदा करता है, लेकिन शशि के सहयोगी योग से प्रेमी फिर से मिल जाते हैं। शशि और सुलोचना को अपना खोया हुआ फिर से प्यार मिल जाता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। रवि सुलोचना के पैर छूती है क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं। संगीत वास्तव में सुलोचना को ठीक कर देता है। सुलोचना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास पैकना रविजीत रवि मेहता के रूप में, मनीषा के रूप में कोयल मलिक, मनीषा के पिता के रूप में रंजीत मलिक, मनीषा की माँ के रूप में मौसमी चटर्जी, रवि की दोस्त के रूप में कंचन मलिक, नीमू भूमिका अशोक, मुख्य उपाध्याय पुष्पिता मुखर्जी, मणि के रूप में कौशिक भट्टाचार्य, सचिन मलिक। और हम बात करें इस मूवी के गीत संगीत के बारे में, एल्बम को नटर गुरु के लिए एस पी विकेंस ने कंपोज किया है। गायक जूटू, सरनलता, मोनू प्रभाकर, अनुराधा श्रीराम, सभी गीत गौतम सुषमिता द्वारा दिए गए हैं। चिरंजीवी आधारित गीतों मानो जीनी की केबी अमी मानो अमी सुकुना नाई अमोना सरनलता बोल मा तारा जीतो प्रभाकर इटो ऐसे ची तोमरी पलियाकर टोर किरोले मानो ठग ठग बाबा ठग मानो मानो। और हम बात करें इस मूवी के पूर्व गायक के बारे में, इस मूवी के गायक नागुर बाबुआ जिन्हें उसके मान्य नाम मानो से जाना जाता है, एक भारतीय पूर्व गायक है, वॉइस ओवर कलाकार, अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन एंक और संगीतकार है। मानो का जन्म नागोरा बाबू का जन्म 26 अक्टूबर 1965, आयु 97 वर्ष, वल्लई, आंध्र प्रदेश, भारत शैली, पूर्ण गायन, कर्नाटक संगीत, व्यावसायिक गायक, अभिनेता, निर्माता, आवाज, डबिंग कलाकार, संगीतकार, सक्रिय वर्ष 1970, वर्तमान मानो ने फिल्म और निजी विभिन्न तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, तुलकोयनी और असमिया फिल्मों के लिए 24,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने महाद्वीपों में से 3,000 से अधिक लाइव संगीत कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने संगीत निर्देशक इलैयाराज के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए। मथुर ने 1995 तेलुगु में रजनीकांत के लिए पूर्ण डबिंग कलाकार के रूप में भी पहचाना जाता है। करियर शुरुआती दिन और
पर्दापन आलोचना को अपनी प्रगति में लेते हुए मानो इलिया राजा के साथ 500 से अधिक सफल गीतों की रिकॉर्डिंग की और धीरे धीरे अन्य तमिल संगीतकारों के लिए भी गाया। वॉइस ओवर डबिंग 1985-95 में तेलुगु फिल्म उद्योग में वॉइस ओवर डबिंग कलाकार के रूप में मानो का एक चेहरा भी दिखा गया है। उन्होंने तेलुगु में लगभग सभी रजनीकांत स्टार के लिए अपनी आवाज़ दी है। उनकी आवाज़ लगभग रजनीकांत का पर्याय बन गई और सभी निर्देशक और निर्माता द्वारा इनकी काफ़ी मांग रही थी। उन्होंने तेलुगु की कुछ फिल्मों में कमल हसन के लिए अपनी आवाज़ दी है। टेलीविजन का काम करता है मानो मनाथुडु मानो की मेज़बानी कर रहा है। जया टीवी में एक संगीत टॉक शो। व्यक्तिगत जीवन मानो की शादी जमीला से 1985 में हुई थी। उनका बेटा सिकारा एक अभिनेता है और रुए नांगा 2012 में अभिनय किया है। फिल्मोग्राफी अभिनेता के तेलुगी 1979 नेडा 1979 रंगू रावड़ी राजू के रूप में 1980 क्यों तोड़ा तो आदि दो होले डार्लिंग नी मानसू नाकू तेलु 2003 में रिलीज हुई थी। बंगाली फिल्म हरिनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित है। इसमें जीत कोयल मलिक रंजीत मलिक और मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया है। यह फिल्म कोयल मलिक की सिनेमाई शुरुआत थी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। नेटर मूवी के निर्देशक हरिनाथ चक्रवर्ती हैं द्वारा लिखित है। समरेश बसु द्वारा निर्मित संजनी फिल्म में अभिनेता जीत कोयल मलिक रंजीत मलिक मौसमी चटर्जी। छायांकन वी प्रभाकर द्वारा संपादित स्वपन गुहा संगीत दिया एस वी विकेंस ने द्वारा वितरित एक्से मूवीज। रिलीज की तारीख 11 अप्रैल 2003। कार्यकारी समय 145 मिनट। देश भारत भाषा बंगाली। और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी में समरेश बसु पर आधारित है। एक रोमांटिक कॉमेडी का लोकप्रिय उपन्यास नटगुरु। चार मुख्य किरदारों रवि शशि भूषण सुलेचना और मनीषा के इधर गिर्द घूमती है। शशि और सुलेचना एक अलग युगल है जो परंपरा एक दूसरे से अलग है लेकिन कानूनी रूप से तलाकशुदा नहीं है। अलगवा दोनों पक्षों की गलतफहमी अहंकार और पूर्व कल्पित धारणाओं से बाहर है। 15 वर्षों के बाद सुलोचना एक बिजनेसमैन टाइकून है जबकि शशि भूषण एक बेकार रेस कोर्स बुकी है। उनकी एकलौती बेटी मनीषा डांसर है और अपनी माँ के साथ रहती है। सुलोचना को दिल का दौरा पड़ता है और मदद पाने में असमर्थ मनीषा अपने पिता के पास जाती है। पिता पुत्री कोम्बे तय करते हैं कि बीमारी सलोचना को कोई तनाव या चिंता नहीं दी जा सकती इसलिए वे एक चोरी छिपे ऑपरेशन कराते हैं। वे शशि के दोस्त और सहयोगी रविजीत मेत्रा को किराए पर लेने का फैसला करते हैं और उसे दुर्गा दास के रूप में पेश करते हैं। मनीषा द्वारा जब भी आवश्यक हो ब्रोकिस देने के लिए रवि की आवश्यकता होती है वह नियमित हो जाता है लेकिन दोनों अक्सर बेमतलब की बातों को लेकर झगड़ते हैं लड़ते रहते हैं और मनीषा के व्यवहार से रवि का अपमान होता है। रवि सलोचना और पैर छूती है रवि सलोचना के पैर छूती है क्योंकि क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं और संगीत वास्तव में सलोचना को ठीक कर देता है और वह फिर चलने में सक्षम हो जाती है। सलोचना रवि से प्यार करती है। इस बीच सलोचना गलती से रवि की मौलिकता को उजागर कर देती है। सुलू कोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान की प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी और सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास परेशानी पैदा करता है लेकिन शशि के सहयोगी योग से प्रेमी फिर से मिल जाते हैं। शशि और सुलोचना को अपना खोया हुआ फिर से प्यार मिल जाता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। रवि सुलोचना के पैर छूती है क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं। संगीत वास्तव में सुलोचना को ठीक कर देता है। सुलू कोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है।
मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गा दास पैकना रविजीत रवि मेहत्रा के रूप में, मनीषा के रूप में कोयल मलिक, मनीषा के पिता के रूप में रंजीत मलिक, मनीषा की माँ के रूप में मौसमी चटर्जी, रवि की दोस्त के रूप में कंचन मलिक, नीमू भूमिका अशोक, मुख्य उपाध्याय पुष्पिता मुखर्जी, मणि के रूप में कौशिक भट्टाचार्य, सचिन मलिक। और हम बात करें इस मूवी के गीत संगीत के बारे में, एल्बम को नटर गुरु के लिए एसपी विकेंस ने कंपोज किया है। गायक जूटू, शरणलता, मोनू प्रभाकर, अनुराधा श्रीराम, सभी गीत गौतम सुषमिता द्वारा दिए गए हैं। चिरंजीवी आधारित गीतों मानो जीनी की केबी अमी मानो अमी सुकुना नाई अमोना शरणलता बोल माँ तारा जीतो प्रभाकर इटो ऐसे ची तोमरी पलिया कर टोर किरोले मानो ठग ठग बाबा ठग मानो मानो। और हम बात करें इस मूवी के पूर्व गायक के बारे में, इस मूवी के गायक नागुर बाबुआ जिन्हें उसके मान्य नाम मानो से जाना जाता है, एक भारतीय पूर्व गायक है, वॉइस ओवर कलाकार, अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन एंक और संगीतकार है। मानो का जन्म नागोरा बाबू का जन्म 26 अक्टूबर 1965, आयु 97 वर्ष, वल्लई आंध्र प्रदेश, भारत शैली पूर्ण गायन, कर्नाटक संगीत, व्यावसायिक गायक, अभिनेता, निर्माता, आवाज, डबिंग कलाकार, संगीतकार, सक्रिय वर्ष 1970, वर्तमान मानो ने फिल्म और निजी विभिन्न तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, तुलकोरिनी और असमिया फिल्मों के लिए 24,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने महाद्वीपों में से 3,000 से अधिक लाइव संगीत कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने संगीत निर्देशक इलैयाराज के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए। मथुर ने 1995 तेलुगु में रजनीकांत के लिए पूर्ण डबिंग कलाकार के रूप में भी पहचाना जाता है। करियर शुरुआती दिन और पर्दापन आलोचना को अपनी प्रगति में लेते हुए मानो इलिया राजा के साथ 500 से अधिक सफल गीतों की रिकॉर्डिंग की और धीरे धीरे अन्य तमिल संगीतकारों के लिए भी गाया। वॉइस ओवर डबिंग 1985-95 में तेलुगु फिल्म उद्योग में वॉइस ओवर डबिंग कलाकार के रूप में मानो का एक चेहरा भी दिखा गया है। उन्होंने तेलुगु में लगभग सभी रजनीकांत स्टार के लिए अपनी आवाज़ दी है। उनकी आवाज़ लगभग रजनीकांत का पर्याय बन गई और सभी निर्देशक और निर्माता द्वारा इनकी काफ़ी मांग रही थी। उन्होंने तेलुगु की कुछ फिल्मों में कमल हसन के लिए अपनी आवाज़ दी है। टेलीविजन का काम करता है मानो मनाथुडु मानो की मेज़बानी कर रहा है। जया टीवी में एक संगीत टॉक शो। व्यक्तिगत जीवन मानो की शादी जमीला से 1985 में हुई थी। उनका बेटा सिकारा एक अभिनेता है और रुए नांगा 2012 में अभिनय किया है। फिल्मोग्राफी अभिनेता के तेलुगी 1979 नेडा, 1979 रंगू रावड़ी राजू के रूप में, 1980 क्योतोड़ा तो आदि, दो होले डार्लिंग नी मानसू नाकू तेलु, 2003 में रिलीज हुई थी बंगाली फिल्म, हरिनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित है। इसमें जीत, कोयल मलिक, रंजीत मलिक और मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया है। यह फिल्म कोयल मलिक की सिनेमाई शुरुआत थी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। नेटर गुरु मूवी के निर्देशक हरिनाथ चक्रवर्ती हैं, द्वारा लिखित है समरेश बसु द्वारा निर्मित। संजनी फिल्में अभिनेता जीत, कोयल मलिक, रंजीत मलिक, मौसमी चटर्जी। छायाकन वी प्रभाकर द्वारा संपादित, स्वपन गुहा संगीत दिया, एसपी विकेंस ने द्वारा वितरित। एक्से मूवीज रिलीज की तारीख 11 अप्रैल 2003, कार्यकारी समय 145 मिनट, देश भारत, भाषा बंगाली। और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, इस मूवी की कहानी में समरेश बसु पर आधारित है। एक रोमांटिक कॉमेडी का लोकप्रिय उपन्यास नटगुरु, चार मुख्य किरदारों रवि, शशि, भूषण, सुलेचना और मनीषा के इर्द गिर्द घूमती है। शशि और सुलेचना एक अलग युगल है जो परंपरा
एक दूसरे से अलग है लेकिन कानूनी रूप से तलाकशुदा नहीं है। अलगवा दोनों पक्षों की गलतफहमी अहंकार और पूर्व कल्पित धारणाओं से बाहर है। 15 वर्षों के बाद सुलोचना एक बिजनेसमैन टाइकून है जबकि शशि भूषण एक बेकार रेस कोर्स बुकी है। उनकी एकलौती बेटी मनीषा डांसर है और अपनी माँ के साथ रहती है। सलोचना को दिल का दौरा पड़ता है और मदद पाने में असमर्थ मनीषा अपने पिता के पास जाती है। पिता पुत्री कोम्बे तय करते हैं कि बीमारी सलोचना को कोई तनाव या चिंता नहीं दी जा सकती, इसलिए वे एक चोरी छिपे ऑपरेशन कराते हैं। वे शशि के दोस्त और सहयोगी रविजीत मेहता को किराए पर लेने का फैसला करते हैं और उसे दुर्गा दास के रूप में पेश करते हैं। मनीषा द्वारा जब भी आवश्यक हो प्रोकिस देने के लिए रवि की आवश्यकता होती है, वह नियमित हो जाता है लेकिन दोनों अक्सर बेमतलब की बातों को लेकर झगड़ते हैं, लड़ते रहते हैं और मनीषा के व्यवहार से रवि का अपमान होता है। रवि सलोचना और पैर छूती है रवि सलोचना के पैर छूती है क्योंकि क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं और संगीत वास्तव में सलोचना को ठीक कर देता है और वह फिर चलने में सक्षम हो जाती है। सलोचना रवि से प्यार करती है। इस बीच सलोचना गलती से रवि की मौलिकता को उजागर कर देती है। सुलू कोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान की प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी और सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास परेशानी पैदा करता है लेकिन शशि के सहयोगी योग से प्रेमी फिर से मिल जाते हैं। शशि और सुलोचना को अपना खोया हुआ फिर से प्यार मिल जाता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। रवि सुलोचना के पैर छूती है क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं। संगीत वास्तव में सलोचना को ठीक कर देता है। सुलू कोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास पैकना रवि जीत रवि मेहता के रूप में मनीषा के रूप में कोयल मलिक मनीषा के पिता के रूप में रंजीत मलिक मनीषा की माँ के रूप में मौसमी चटर्जी रवि की दोस्त के रूप में कंचन मलिक नीमू भूमिका अशोक मुख्य उपाध्याय पुष्पिता मुखर्जी मनी के रूप में कौशिक भट्टाचार्य सचिन मलिक। और हम बात करें इस मूवी के गीत संगीत के बारे में, एल्बम को नटर गुरु के लिए एसपी विकेंस ने कंपोज किया है। गायक जूटू शरणलता मोनू प्रका प्रभाकर अनुराधा श्रीराम सभी गीत गौतम सुषमिता द्वारा दिए गए हैं। चिरोडनी आधारित गीतों मानो जीनी की केबी अमी मानो अमी सुकुना नाई अमोना शरणलता बोल मा तारा जीतो प्रभाकर इटो ऐसे ची तोमरी पलियाकर टोर किरोले मानो ठग ठग बाबा ठग मानो मानो। और हम बात करें इस मूवी के पूर्व गायक के बारे में, इस मूवी के गायक नागुर बाबुआ जिन्हें उसके मान्य नाम मानो से जाना जाता है, एक भारतीय पूर्व गायक है, वॉइस ओवर कलाकार, अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन एंक और संगीतकार है। मानो का जन्म नागोरा बाबू का जन्म 26 अक्टूबर 1965, आयु 97 वर्ष, पल्लई, आंध्र प्रदेश, भारत शैली, पूर्ण गायन, कर्नाटक संगीत, व्यवसायी गायक, अभिनेता, निर्माता, आवाज, डबिंग कलाकार, संगीतकार, सक्रिय वर्ष 1970, वर्तमान मानो ने फिल्म और निजी विभिन्न तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, तुलकोरिनी और असमिया फिल्मों के लिए 24,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने महाद्वीपों में से 3,000 से अधिक लाइव संगीत कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने संगीत निर्देशक इलैयाराज के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए। मथुर ने 1995 तेलुगु में रजनीकांत के लिए पूर्ण डबिंग कलाकार के रूप में भी पहचाना जाता है। करियर शुरुआती दिन और पर्दापन आलोचना को अपनी प्रगति में लेते हुए मानो इलिया राजा के साथ 500 से अधिक सफल गीतों की रिकॉर्डिंग की और धीरे धीरे अन्य तमिल संगीतकारों के लिए भी गाया। वॉइस ओवर
डबिंग 1985-95 में तेलुगु फिल्म उद्योग में वॉइस ओवर डबिंग कलाकार के रूप में मानो का एक चेहरा भी दिखा गया है। उन्होंने तेलुगु में लगभग सभी रजनीकांत स्टार के लिए अपनी आवाज़ दी है। उनकी आवाज़ लगभग रजनीकांत का पर्याय बन गई और सभी निर्देशक और निर्माता द्वारा इनकी माफ़ी मांग दी काफ़ी मांग रही थी। उन्होंने तेलुगु की कुछ फिल्मों में कमल हसन के लिए अपनी आवाज़ दी है। टेलीविज़न का काम करता है मानो मना थोड़ू मानो की मेज़बानी कर रहा है। जया टीवी में एक संगीत टॉक शोफ व्यक्तिगत जीवन मानो की शादी जमीला से 1985 में हुई थी। उनका बेटा सिकारा एक अभिनेता है और रुए नांगा 2012 में अभिनय किया है। फिल्मोग्राफी अभिनेता के तेलुगी 1979 नेडा 1979 रंगु रावड़ी राजू के रूप में 1980 के तोड़ा तो आदि दो होले डार्लिंग नी मानसून नाकू तेलुगु 2003 में रिलीज हुई थी। बंगाली फिल्म हरिनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित है। इसमें जीत कोयल मलिक रंजीत मलिक और मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया है। यह फिल्म कोयल मलिक की सिनेमाई शुरुआत थी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। नेटर मूवी के निर्देशक हरिनाथ चक्रवर्ती हैं द्वारा लिखित है समरेश बसु द्वारा निर्मित संजनी फिल्म में अभिनेता जीत कोयल मलिक रंजीत मलिक मौसमी चटर्जी छायाकन वी प्रभाकर द्वारा संपादित स्वप्न गुहा संगीत दिया एस पी विकेंस ने द्वारा वितरित एक्से मूवीज रिलीज की तारीख 11 अप्रैल 2003 कार्यकारी समय 145 मिनट देश भारत भाषा बंगाली। और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी में समरेश बसु पर आधारित है। एक रोमांटिक कॉमेडी का लोकप्रिय उपन्यास नटगुरु चार मुख्य किरदारों रवि शशि भूषण सुलेचना और मनीषा के इर्द गिर्द घूमती है। शशि और सुलेचना एक अलग युगल है जो परंपरा एक दूसरे से अलग है लेकिन कानूनी रूप से तलाकशुदा नहीं है। अलगवा दोनों पक्षों की गलतफहमी अहंकार और पूर्व कल्पित धारणाओं से बाहर है। 15 वर्षों के बाद सुलोचना एक बिजनेसमैन टाइकून है जबकि शशि भूषण एक बेकार रेस कोर्स बुकी है। उनकी एकलौती बेटी मनीषा डांसर है और अपनी माँ के साथ रहती है। सुलोचना को दिल का दौरा पड़ता है और मदद पाने में असमर्थ मनीषा अपने पिता के पास जाती है। पिता पुत्री कोम्बे तय करते हैं कि बीमारी सुलोचना को कोई तनाव या चिंता नहीं दी जा सकती इसलिए वे एक चोरी छिपे ऑपरेशन कराते हैं। वे शशि के दोस्त और सहयोगी रविजीत मेहत्रा को किराए पर लेने का फैसला करते हैं और उसे दुर्गादास के रूप में पेश करते हैं। मनीषा द्वारा जब भी आवश्यक हो ब्रोकिस देने के लिए रवि की आवश्यकता होती है वह नियमित हो जाता है लेकिन दोनों अक्सर बेमतलब की बातों को लेकर झगड़ते हैं लड़ते रहते हैं और मनीषा के व्यवहार से रवि का अपमान होता है। रवि सलोचना के पैर छूती है क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं और संगीत वास्तव में सलोचना को ठीक कर देता है और वह फिर चलने में सक्षम हो जाती है। सलोचना रवि से प्यार करती है। इस बीच सलोचना गलती से रवि की मौलिकता को उजागर कर देती है। सुलू कोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान की प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी और सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास परेशानी पैदा करता है लेकिन शशि के सहयोगी योग से प्रेमी फिर से मिल जाते हैं। शशि और सुलोचना को अपना खोया हुआ फिर से प्यार मिल जाता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। रवि सुलोचना के पैर छूती है क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं। संगीत वास्तव में सुलोचना को ठीक कर देता है। सुलू कोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है दुर्गादास पैकना रविजीत रवि मेहत्रा के रूप में मनीषा के रूप में कोयल मलिक मनीषा के पिता के रूप में रंजीत मलिक मनीषा की मां के रूप में
मौसमी चटर्जी, रवि की दोस्त के रूप में कंचन मलिक, नीमू भूमिका अशोक, मुख्य उपाध्याय पुष्पिता मुखर्जी, मनी के रूप में कौशिक भट्टाचार्य, सचिन मलिक। और हम बात करें इस मूवी के गीत संगीत के बारे में, एल्बम को नटर गुरु के लिए एसीपी एसपी विकेंस ने कंपोज किया है। गायक जूटू, सरनलता, मोनू प्रभाकर, अनुराधा श्रीराम, सभी गीत गौतम सुषमिता द्वारा दिए गए हैं। चिरोडनी आधारित गीतों मानो जीनी की के बी अमी मानो अमी सुकुना नाई अमोना सरनलता बोल मा तारा जीतो प्रभाकर इटो ऐसे ची तोमरी पलिया कर टोर किरोले मानो ठग ठग बाबा ठग मानो मानो। और हम बात करें इस मूवी के पूर्व गायक के बारे में, इस मूवी के गायक नागुर बाबुआ जिन्हें उसके मान्य नाम मानो से जाना जाता है, एक भारतीय पूर्व गायक है, वॉइस ओवर कलाकार, अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन एंक और संगीतकार है। मानो का जन्म नागोरा बाबू का जन्म 26 अक्टूबर 1965, आयु 97 वर्ष, वल्लई आंध्र प्रदेश, भारत शैली पूर्ण गायन, कर्नाटक संगीत, व्यवसायिक गायक, अभिनेता, निर्माता, आवाज, डबिंग कलाकार, संगीतकार, सक्रिय वर्ष 1977, वर्तमान मानो ने फिल्म और निजी विभिन्न तेलुगी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, तुलकोयनी और असमिया फिल्मों के लिए 24,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने महाद्वीपों में से 3,000 से अधिक लाइव संगीत कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने संगीत निर्देशक इलियाराज के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए। मधु ने 1995 तेलुगी में रजनीकांत के लिए पूर्ण डबिंग कलाकार के रूप में भी पहचाना जाता है। करियर शुरुआती दिन और पर्दापन आलोचना को अपनी प्रगति में लेते हुए मानो इलिया राजा के साथ 500 से अधिक सफल गीतों की रिकॉर्डिंग की और धीरे धीरे अन्य तमिल संगीतकारों के लिए भी गाया। वॉइस ओवर डबिंग 1995 में तेलुगु फिल्म उद्योग में वॉइस ओवर डबिंग कलाकार के रूप में मानो का एक चेहरा भी दिखा गया है। उन्होंने तेलुगु में लगभग सभी रजनीकांत स्टार के लिए अपनी आवाज़ दी है। उनकी आवाज़ लगभग रजनीकांत का पर्याय बन गई और सभी निर्देशक और निर्माता द्वारा इनकी काफ़ी मांग रही थी। उन्होंने तेलुगु की कुछ फिल्मों में कमल हसन के लिए अपनी आवाज़ दी है। टेलीविजन का काम करता है मानो मनाथुड़ू मानो की मेज़बानी कर रहा है। जया टीवी में एक संगीत टॉक शो। व्यक्तिगत जीवन मानो की शादी जमीला से 1985 में हुई थी। उनका बेटा सिकारा एक अभिनेता है और वे नांगा 2012 में अभिनय किया है। फिल्मोग्राफी अभिनेता के तेलुगी 1979 नेडा, 1979 रंगू रावड़ी राजू के रूप में, 1980 क्योतोड़ा तो आदि, दो होले डार्लिंग नी मानसू नाकू तेलु, 2003 में रिलीज हुई थी बंगाली फिल्म, हरिनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित है। इसमें जीत कोयल मलिक, रंजीत मलिक और मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया है। यह फिल्म कोयल मलिक की सिनेमाई शुरुआत थी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। नेटर मूवी के निर्देशक हरिनाथ चक्रवर्ती हैं द्वारा लिखित है, समरेश बसु द्वारा निर्मित। संजनी फिल्म में अभिनेता जीत कोयल मलिक, रंजीत मलिक, मौसमी चटर्जी। छायांकन वी प्रभाकर द्वारा संपादित, स्वपन गुहा संगीत दिया एस पी विकेंस ने द्वारा वितरित। एक्से मूवीज रिलीज की तारीख 11 अप्रैल 2003, कार्यकारी समय 145 मिनट, देश भारत, भाषा बंगाली। और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, इस मूवी की कहानी में समरेश बसु पर आधारित है। एक रोमांटिक कॉमेडी का लोकप्रिय उपन्यास नटगुरु, चार मुख्य किरदारों रवि, शशि, भूषण, सुलेचना और मनीषा के इधर गिर्द घूमती है। शशि और सुलेचना एक अलग युगल है जो परंपरा एक दूसरे से अलग है, लेकिन कानूनी रूप से तलाकशुदा नहीं है। अलगवा दोनों पक्षों की गलतफहमी, अहंकार और पूर्व कल्पित धारणाओं से बाहर है। 15
वर्षों के बाद सुलोचना एक बिजनेसमैन टाइकून है, जबकि शशिभूषण एक बेकार रेस कोर्स बुकी है। उनकी एकलौती बेटी मनीषा डांसर है और अपनी माँ के साथ रहती है। सलोचना को दिल का दौरा पड़ता है और मदद पाने में असमर्थ मनीषा अपने पिता के पास जाती है। पिता पुत्री कोम्बे तय करते हैं कि बीमारी सलोचना को कोई तनाव या चिंता नहीं दी जा सकती, इसलिए वे एक चोरी छिपे ऑपरेशन कराते हैं। वे शशि के दोस्त और सहयोगी रविजीत मेहता को किराए पर लेने का फैसला करते हैं और उसे दुर्गा दास के रूप में पेश करते हैं। मनीषा द्वारा जब भी आवश्यक हो ब्रोकिस देने के लिए रवि की आवश्यकता होती है, वह नियमित हो जाता है, लेकिन दोनों अक्सर बेमतलब की बातों को लेकर झगड़ते हैं, लड़ते रहते हैं और मनीषा के व्यवहार से रवि का अपमान होता है। रवि सलोचना और पैर छूती है रवि सलोचना के पैर छूती है क्योंकि क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं और संगीत वास्तव में सलोचना को ठीक कर देता है और वह फिर चलने में सक्षम हो जाती है। सलोचना रवि से प्यार करती है। इस बीच सलोचना गलती से रवि की मौलिकता को उजागर कर देती है। सुलोचना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान की प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी और सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास परेशानी पैदा करता है, लेकिन शशि के सहयोगी योग से प्रेमी फिर से मिल जाते हैं। शशि और सुलोचना को अपना खोया हुआ फिर से प्यार मिल जाता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। रवि सुलोचना के पैर छूती है क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं। संगीत वास्तव में सलोचना को ठीक कर देता है। सुलोचना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास पैकना रविजीत रवि मेहता के रूप में, मनीषा के रूप में कोयल मलिक, मनीषा के पिता के रूप में रंजीत मलिक, मनीषा की माँ के रूप में मौसमी चटर्जी, रवि की दोस्त के रूप में कंचन मलिक, नीमू भूमिका अशोक, मुख्य उपाध्याय पुष्पिता मुखर्जी, मणि के रूप में कौशिक भट्टाचार्य, सचिन मलिक। और हम बात करें इस मूवी के गीत संगीत के बारे में, एल्बम को नटर गुरु के लिए एस पी विकेंस ने कंपोज किया है। गायक जूटू, सरनलता, मोनू प्रभाकर, अनुराधा श्रीराम, सभी गीत गौतम सुषमिता द्वारा दिए गए हैं। चिरंजीवी आधारित गीतों मानो जीनी की केबी अमी मानो अमी सुकुना नाई अमोना सरनलता बोल मा तारा जीतो प्रभाकर इटो ऐसे ची तोमरी पलियाकर टोर किरोले मानो ठग ठग बाबा ठग मानो मानो। और हम बात करें इस मूवी के पूर्व गायक के बारे में, इस मूवी के गायक नागुर बाबुआ जिन्हें उसके मान्य नाम मानो से जाना जाता है, एक भारतीय पूर्व गायक है, वॉइस ओवर कलाकार, अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन एंक और संगीतकार है। मानो का जन्म नागोरा बाबू का जन्म 26 अक्टूबर 1965, आयु 97 वर्ष, वल्लई आंध्र प्रदेश, भारत शैली पूर्ण गायन, कर्नाटक संगीत, व्यावसायिक गायक, अभिनेता, निर्माता, आवाज, डबिंग कलाकार, संगीतकार, सक्रिय वर्ष 1970, वर्तमान मानो ने फिल्म और निजी विभिन्न तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, तुलकोरिनी और असमिया फिल्मों के लिए 24,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने महाद्वीपों में से 3,000 से अधिक लाइव संगीत कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने संगीत निर्देशक इलैयाराजा के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए। मथुर ने 1995 तेलुगु में रजनीकांत के लिए पूर्ण डबिंग कलाकार के रूप में भी पहचाना जाता है। करियर शुरुआती दिन और पर्दापण आलोचना को अपनी प्रगति में लेते हुए मानो इलिया राजा के साथ 500 से अधिक सफल गीतों की रिकॉर्डिंग की और धीरे धीरे अन्य तमिल संगीतकारों के लिए भी गाया। वॉइस ओवर डबिंग 1985-95 में तेलुगु फिल्म उद्योग में वॉइस ओवर डबिंग का
कलाकार के रूप में मानो का एक चेहरा भी दिखा गया है। उन्होंने तेलुगू में लगभग सभी रजनीकांत स्टार के लिए अपनी आवाज़ दी है। उनकी आवाज़ लगभग रजनीकांत का पर्याय बन गई और सभी निर्देशक और निर्माता द्वारा इनकी काफ़ी मांग रही थी। उन्होंने तेलुगू की कुछ फिल्मों में कमल हसन के लिए अपनी आवाज़ दी है। टेलीविज़न का काम करता है मानो मनाथुड़ू मानो की मेज़बानी कर रहा है। जया टीवी में एक संगीत टॉक शो। व्यक्तिगत जीवन मानो की शादी जमीला से 1985 में हुई थी। उनका बेटा सिकारा एक अभिनेता है और रुए नांगा 2012 में अभिनय किया है। फिल्मोग्राफी अभिनेता के तेलुगी 1979 नेडा 1979 रंगू रावड़ी राजू के रूप में 1980 क्योतोड़ा तो आदि दो होले डार्लिंग नी मानसू नाकू तेलु 2003 में रिलीज हुई थी। बंगाली फिल्म हरिनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित है। इसमें जीत कोयल मलिक रंजीत मलिक और मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया है। यह फिल्म कोयल मलिक की सिनेमाई शुरुआत थी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। नेटर मूवी के निर्देशक हरिनाथ चक्रवर्ती हैं द्वारा लिखित है समरेश बसु द्वारा निर्मित संजनी फिल्म में अभिनेता जीत कोयल मलिक रंजीत मलिक मौसमी चटर्जी छायाकन वी प्रभाकर द्वारा संपादित स्वपन गुहा संगीत दिया एस वी विकेंस ने द्वारा वितरित एक्से मूवीज रिलीज की तारीख 11 अप्रैल 2003 कार्यकारी समय 145 मिनट देश भारत भाषा बंगाली। और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी में समरेश बसु पर आधारित है। एक रोमांटिक कॉमेडी का लोकप्रिय उपन्यास नटगुरु चार मुख्य किरदारों रवि शशि भूषण सुलेचना और मनीषा के इधर गिर्द घूमती है। शशि और सुलेचना एक अलग युगल है जो परंपरा एक दूसरे से अलग है लेकिन कानूनी रूप से तलाकशुदा नहीं है। अलग वह दोनों पक्षों की गलतफहमी अहंकार और पूर्व कल्पित धारणाओं से बाहर है। 15 वर्षों के बाद सुलोचना एक बिजनेसमैन टाइकून है जबकि शशिभूषण एक बेकार रेस कोर्स बुकी है। उनकी एकलौती बेटी मनीषा डांसर है और अपनी माँ के साथ रहती है। सुलोचना को दिल का दौरा पड़ता है और मदद पाने में असमर्थ मनीषा अपने पिता के पास जाती है। पिता पुत्री कोम्बे तय करते हैं कि बीमारी सुलोचना को कोई तनाव या चिंता नहीं दी जा सकती इसलिए वे एक चोरी छिपे ऑपरेशन कराते हैं। वे शशि के दोस्त और सहयोगी रविजीत मेहता को किराए पर लेने का फैसला करते हैं और उसे दुर्गादास के रूप में पेश करते हैं। मनीषा द्वारा जब भी आवश्यक हो प्रोकिस देने के लिए रवि की आवश्यकता होती है वह नियमित हो जाता है लेकिन दोनों अक्सर बेमतलब की बातों को लेकर झगड़ते हैं लड़ते रहते हैं और मनीषा के व्यवहार से रवि का अपमान होता है। रवि सुलोचना के पैर छूती है क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं और संगीत वास्तव में सुलोचना को ठीक कर देता है और वह फिर चलने में सक्षम हो जाती है। सुलोचना रवि से प्यार करती है। इस बीच सुलोचना गलती से रवि की मौलिकता को उजागर कर देती है। सुलोचना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान की प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी और सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास परेशानी पैदा करता है लेकिन शशि के सहयोगी योग से प्रेमी फिर से मिल जाते हैं। शशि और सुलोचना को अपना खोया हुआ फिर से प्यार मिल जाता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। रवि सुलोचना के पैर छूती है क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं। संगीत वास्तव में सुलोचना को ठीक कर देता है। सुलोचना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है दुर्गादास पैकना रविजीत रवि मेहता के रूप में मनीषा के रूप में कोयल मलिक मनीषा के पिता के रूप में रंजीत मलिक मनीषा की मां के रूप में मौसमी चटर्जी रवि की दोस्त के रूप में कंचन मलिक नीमू भूमिका अशोक मुख्य उपाध्याय
पुष्पिता मुखर्जी मनी के रूप में, कौशिक भट्टाचार्य सचिन मलिक। और हम बात करें इस मूवी के गीत संगीत के बारे में, एल्बम को नटर गुरु के लिए एसीपी एसपी विकेंस ने कंपोज किया है। गायक जूटू, शरणलता, मोनू प्रकाश प्रभाकर, अनुराधा श्रीराम, सभी गीत गौतम सुषमिता द्वारा दिए गए हैं। चिरोडनी आधारित गीतों मानो जीनी की केबी अमी मानो अमी सुकुना नाई अमोना सरुणलता बोल मा तारा जीतो प्रभाकर इटो ऐसे ची तोमरी पलियाकर टोर किरोले मानो ठग ठग बाबा ठग मानो मानो। और हम बात करें इस मूवी के पूर्व गायक के बारे में, इस मूवी के गायक नागुर बाबुआ जिन्हें उसके मान्य नाम मानो से जाना जाता है, एक भारतीय पूर्व गायक है, वॉइस ओवर कलाकार, अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन एंक और संगीतकार है। मानो का जन्म नागोरा बाबू का जन्म 26 अक्टूबर 1965, आयु 97 वर्ष, पल्लई आंध्र प्रदेश, भारत शैली पूर्ण गायन, कर्नाटक संगीत, व्यवसायिक गायक, अभिनेता, निर्माता, आवाज़ डबिंग कलाकार, संगीतकार, सक्रिय वर्ष 1977, वर्तमान मानो ने फिल्म और निजी विभिन्न तेलुगी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, तुलकोरिनी और असमीय फिल्मों के लिए 24,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने महाद्वीपों में से 3,000 से अधिक लाइव संगीत कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने संगीत निर्देशक इलैयाराज के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए। मथु ने 1995 में तेलुगु में रजनीकांत के लिए पूर्ण डबिंग कलाकार के रूप में भी पहचाना जाता है। करियर शुरुआती दिन और पर्दापन आलोचना को अपनी प्रगति में लेते हुए मानो इलिया राजा के साथ 500 से अधिक सफल गीतों की रिकॉर्डिंग की और धीरे धीरे अन्य तमिल संगीतकारों के लिए भी गाया। वॉइस ओवर डबिंग 1985-95 में तेलुगु फिल्म उद्योग में वॉइस ओवर डबिंग कलाकार के रूप में मानो का एक चेहरा भी दिखा गया है। उन्होंने तेलुगु में लगभग सभी रजनीकांत स्टार के लिए अपनी आवाज़ दी है। उनकी आवाज़ लगभग रजनीकांत का पर्याय बन गई और सभी निर्देशक और निर्माता द्वारा इनकी माफ़ी मांग दी। 2003 में रिलीज हुई थी बंगाली फिल्म हरिनाथ चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित है। इसमें जीत, कोयल मलिक, रंजीत मलिक और मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया है। यह फिल्म कोयल मलिक की सिनेमाई शुरुआत थी। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। नेटर गुरु मूवी के निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती हैं द्वारा लिखित है, समरेश बसु द्वारा निर्मित संजनी फिल्म में अभिनेता जीत, कोयल मलिक, रंजीत मलिक, मौसमी चटर्जी। छायाकन वी प्रभाकर द्वारा संपादित, स्वपन गुहा संगीत दिया, एस पी विकेंस ने द्वारा वितरित, एक्से मूवीज। रिलीज की तारीख 11 अप्रैल 2003, कार्यकारी समय 145 मिनट, देश भारत, भाषा बंगाली। और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, इस मूवी की कहानी में समरेश बसु पर आधारित है। एक रोमांटिक कॉमेडी का लोकप्रिय उपन्यास नटगुरु, चार मुख्य किरदारों रवि, शशि, भूषण, सुलेचना और मनीषा के इधर गिर्द घूमती है। शशि और सुलेचना एक अलग युगल है जो परंपरा एक दूसरे से अलग है लेकिन कानूनी रूप से तलाकशुदा नहीं है। अलग वह दोनों पक्षों की गलतफहमी, अहंकार और पूर्व कल्पित धारणाओं से बाहर है। 15 वर्षों के बाद सुलोचना एक बिजनेसमैन टाइकून है जबकि शशिभूषण एक बेकार रेस कोर्स बुकी है। उनकी एकलौती बेटी मनीषा डांसर है और अपनी माँ के साथ रहती है। सुलोचना को दिल का दौरा पड़ता है और मदद पाने में असमर्थ मनीषा अपने पिता के पास जाती है। पिता पुत्री कोम्बे तय करते हैं कि बीमारी सुलोचना को कोई तनाव या चिंता नहीं दी जा सकती, इसलिए वे एक चोरी छिपे ऑपरेशन कराते हैं। वे शशि के दोस्त और सहयोगी रविजीत मेहता को किराए पर लेने का फैसला करते हैं और उसे दुर्गादास के रूप में पेश करते हैं। मनीषा द्वारा जब भी आवश्यक हो ब्रोकिस देने के लिए रवि की आवश्यकता होती है।
वह नियमित हो जाता है, लेकिन दोनों अक्सर बेमतलब की बातों को लेकर झगड़ते हैं, लड़ते रहते हैं और मनीषा के व्यवहार से रवि का अपमान होता है। रवि सलोचना और पैर छूती है रवि सलोचना के पैर छूती है क्योंकि क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाती हैं और संगीत वास्तव में सलोचना को ठीक कर देता है और वह फिर चलने में सक्षम हो जाती है। सलोचना रवि से प्यार करती है। इस बीच सलोचना गलती से रवि की मौलिकता को उजागर कर देती है। सुलू कोना रवि की ईमानदारी और आत्मसम्मान की प्रशंसा करती है। रवि की ईमानदारी और सादगी से मनीषा को उससे प्यार हो जाता है। दुर्गादास परेशानी पैदा करता है, लेकिन शशि के सहयोगी योग से प्रेमी फिर से मिल जाते हैं। शशि और सुलोचना को अपना खोया हुआ फिर से प्यार मिल जाता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। रवि सुलोचना के पैर छूती है क्योंकि दुर्गादास अपनी गायन शक्ति को सामने लाते हैं। संगीत वास्तव में सुलोचना को ठीक कर दे